बैठे कम दोनों में। नहीं इसमें तो होगा, पर 10 कल शाम की तो क्लास होगी, 2 दिन चार्ज होने के बाद। मैं चेंज किया, नहीं करना नहीं है उसमें, बहुत है इसमें तो, अभी 8 घंटे की लाइव क्लास चलेगा। ये वाला चेंज करूँ। इस तो ये नया बैलेंस है ना अभी, तो हाँ ये उसमें था। तो बच्चों लाइव आ चुके हैं हम लोग, है ना, सेटिंग वगैरह सब हो रही है। टेन अच्छा अभी ऑन कर लेते हैं। टेन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी कम बच्चे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए लीजिए, मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ बच्चों के, किसी के क्वेश्चन पेपर आए होंगे तो। हाँ तो जो लोग आए हैं, कैसा गया पेपर? सृष्टि द कैडेट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिया था आपने पेपर? मयंक, समर्थ, अर्णव, गजानन, मनोज, आराध्य। चलो 17 व्यूअर्स, 17 लोग आ चुके हैं। तो पेपर हो गया, पेपर देके जो लोग आए हैं वो लोग अभी आए हैं कि पेपर वाले भी नहीं आए हैं, बिना पेपर वाले आए हैं? अच्छा, और पढ़ के आए हैं। चलो जल्दी से सर, नेक्स्ट ईयर देना है। अच्छा आपको नेक्स्ट ईयर देना है सर, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलो तो आप नेक्स्ट ईयर जो लोग देने वाले हैं वो इस साल का पेपर तुरंत सॉल्व करने वाले हैं ना अभी, कॉमन फास्ट तरीके क्या से। है, एक मैं आपको फॉरवर्ड चलो कर दूं? बिल्कुल फिर आप बात करो, एक एक पेज, एक एक पेज करते जाते बिल्कुल अपन। बिल्कुल, फटाफट। कहाँ है मेरा आईपैड? कहाँ है? आपका आईपैड? मेरा आईपैड वगैरह अच्छा मेरा आईपैड गाड़ी में डिक्की में है। जल्दी 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 लो, जल्दी लो। ओके सौरभ सर आ रहे हैं, तब तक हम लोग देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन पेपर किसी स्टूडेंट ने भेजा है मुझे। पहला लैंग्वेज था, अच्छा ये सेट सेक्शन ही लैंग्वेज। फिर क्या हुआ है भैया अगला? लैंग्वेज के बाद आप लोग देखोगे तो अच्छा फिर क्या चल रही है, मैथ से? क्या मैथ से? हाँ फिर मैथ्स के बाद आया हुआ है इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज, जीके का देखता हूँ सवाल। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नाइस। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर? चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रामायण, वेयर डिड राम मैरी सीता? अरे इंटरेस्टिंग, रामायण के सवाल। फूड इज स्टोर्ड इन द, मैं बताऊंगा अभी, अभी सारे सवाल आपको दिखेंगे, सौरभ सर उसको एडिट करके थोड़ा क्लियर करके क्वेश्चन पेपर डालने वाले हैं। डिस्कशन शुरू करेंगे अपन 15 मिनट के अंदर में ही, तब तक देख लेते हैं और क्या क्या सवाल आए थे। फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग? पोटेटो, स्वीट पोटेटो, ऑनियन, जिंजर? आसान सवाल था। डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट? सबसे फास्टेस्ट फास्टेस्ट हीलिंग कौन सा है? टंग है, टंग, जीभ, जीभ। ठीक है, अब्बा जब्बा डब्बा करते ना सर, सर वही जीभ। डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट हो गया। अयोध्या इज लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ, अयोध्या पे बहुत सवाल आए, दो दो सवाल आ गए, मतलब रामायण से रिलेटेड। और क्या है, और एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द डेजर्ट? कैमल, बहुत आसान आंसर था इसका। द ओनली स्पीसीज वेयर द मेल्स बेयर द यंग वंस? सिंगलीज चार्म डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, बता चुका हूँ ऑलरेडी, स्पीडोमीटर। स्पोर्ट वेयर पीपल यूज अ बोर्ड विथ स्मॉल व्हील्स इज कॉल्ड स्केटिंग, ऑफकोर्स स्केटिंग। और क्या भैया, दिस अवार्ड इज नोन फॉर द लोटस डेकोरेशन? ये वाला अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, पद्मश्री, अशोक चक्र। डैश इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द पद्मश्री विभूषण अवार्ड इन 2007। ये थोड़ा टफ है क्योंकि याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन फेमस सवाल है ये क्योंकि इसमें क्रिकेटर को मिला था, क्रिकेटर को मिला था, चेस पर्सन को मिला था। ऑप्शन में देखो तीन क्रिकेटर्स के नाम है और एक चेस वाले का नाम है, विश्वनाथ आनंद चेस के एक्सपर्ट हैं और सुनील, कपिल, सचिन, ये तीनों क्रिकेट के हैं। शुरू करेंगे, रुक जाओ थाम थाम, ठीक है, आग लगा दिया सबने बच्चों, आग लगा दिया, क्या बात है, गजानन ने आग लगा दिया, रामकृष्ण, अरे मतलब मचा के आए हो सारे, है ना। क्या क्या जल्दी होता, टफ क्या था, जीके टफ था, इंटेलिजेंट टेस्ट टफ था, या फिर मैथमेटिक्स टफ था, क्या था, टफ क्या था ये बता दो, टफ क्या लगा, टफ कुछ टफ लगा कि सब आसान था? कुछ टफ लगा या सब आसान था? ला 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 ला। और कह दिया भैया, माउंटेन्स अरेंज इन अ लाइन इज नोन एज?
सर वो पीडीएफ पे अगर बस सुंदर सा बना दीजिए ना, थोड़ा गोरा चिट्टा। अच्छा सुंदर सा पीडीएफ नहीं बन पाएगा, इमेज होती तो भी लग पाता है। मैं चेक करूँ कि और भी किसी स्टूडेंट का कुछ आया हो तो। फोटो तो आया है कई लोगों का। फोटोज थोड़े अनक्लियर हैं, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। वैसे बच्चों ने क्या अटेम्प्ट मारा है ना, तो उसमें गोद रखा है तो उसमें आंसर्स भी टिक भी कर रखे हैं कुछ कुछ। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुरू करेंगे। सर 280+ मेरे, क्या बात है गजानन, मजा आ गया मजा आ गया। वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया गजानन ने। चलो देखते हैं और क्या सवाल आया है। लेट्स सी, शुरू करेंगे जल्दी शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स का सर शुरू करेंगे, फिर पहले मैथमेटिक्स करेंगे सर। सौरभ सर अपन एक-एक पेज करते जाएंगे। एक एक पेज करते जाएं। बांग्लादेश कब बना था भैया, लिखा है 1971। युद्ध बताया था ना, सैम मनेक्शॉ, पूरी कहानी सुनाई थी कैसे पाकिस्तान को इंडिया ने कूटा था, पटक पटक के मारे थे हमने। 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के सरेंडर किए थे, वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। और क्या सवाल है, यूनाइटेड नेशंस का सवाल आ गया। देखो मेंटी कराया था ना यूनाइटेड नेशंस पे, यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड। सेम सवाल सर, सर मेंटी का सवाल आ गया एग्जाम में। क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया। आप लोगों को पता, अरे ये स्टूडेंट ने 1944 क्यों लिखा है, 1945 था ना मेंटी में भी सवाल दिया था मैंने। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ 1945 में, और वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ताकि वर्ल्ड वॉर थ्री ना हो। प्लीज स्टार्ट। हाँ भैया स्टार्ट कर रहे हैं, बस पेपर सब सेटिंग चल रही है, थोड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद तुरंत स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। बाकी बच्चों को भी आने देते हैं। द डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन इज डायबिटीज, जॉन्डिस, माइग्रेन या फिर मेनिनजाइटिस। माइग्रेन ब्रो माइग्रेन, आसान है आसान सवाल है। काउ डंग कैन बी यूज एज अ मेन्योर एज इट इज रिच इन नाइट्रोजन, शुगर, मरकरी, कैल्शियम। उसमें पढ़ लो ना, आइकन अच्छा कनेक्ट करके बच्चे जी भी हाँ देखते रहेंगे, जी हाँ जी हाँ, बच्चे भी देखते आइकन रहेंगे। में तो आ गया। ओके ओके आईपैड में आ गए ना, हाँ जी। तो ये मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट से। कहाँ से डाउनलोड होगा भैया, व्हाट्सएप हुआ। चलो मैं सेट कर रहे हैं फटाफट से। कहाँ गया ये, कहाँ गया ये, कहाँ गया ये, गया यहाँ। हाँ लेट्स सी, रश दिस कंप्यूटर। पेन तो लाया नहीं सर मैं। सर सर पेन तो लाया नहीं मैं, आईफोन का आईपैड का। तो बस ऐसे रीड कर दो अभी, बाकी ये काम हो जाएगा। हाँ आप करते रहो तो है ना। शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे। तब तक मैं, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, जब तक मेरा आईपैड में व्हाट्सएप खुल रहा है, तब तक देख लेते हैं। मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट कौन सा है। अरे बेटा कैसे कैसे गलत आंसर करके आए हो जिन्होंने मेरे को पेपर भेजा है। गिटार, वायलिन, सितार और फ्लूट, डिफरेंस क्या है उसमें से। सबसे अलग है फ्लूट, फ्लूट को फूक के बजाते हैं। गिटार, वायलिन, सितार को ऐसे स्ट्रिंग रहती है उसको बजाते हैं, स्ट्रिंग को हिला के। ठीक है अभी दिखाता हूँ, सारा आंसर करेंगे बारी बारी से। कहाँ गया भैया, हाँ ये लो खुल जा भाई खुल जा, सिम सिम डाउनलोड हो जा, डाउनलोड हो जा भाई, डाउनलोड हो जा प्लीज, हो जा प्लीज, हो जा डाउनलोड प्लीज हो जा। हाँ अब दिख रहा होगा ना, इसको एक काम करते हैं। टिडिंग 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 टिंग 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 टिंग, क्या हो गया क्यों नहीं आ रहे पीछे। सर जी थोड़ा देख लीजिए आपकी, ये कनेक्ट नहीं हो रहे क्या, मिररिंग विररिंग करना पड़ेगा कि कुछ। आईपैड हो जा कनेक्ट भाई, क्यों बच्चों को परेशान कर रहा है। सर ये थोड़ा सेट कर दीजिए तो जल्दी से। करो सर नहीं ये आईपैड कैसे कनेक्ट करेंगे और। आ गए पर बच्चे नहीं भी सारे आ गए एग्जाम से कि नहीं आए हैं, अभी आ रहे होंगे, उनकी मैं ग्रुप पीडीएफ में में अपन। मैसेज डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए। व्हाट्सएप हुआ व्हाट्सएप हुआ, अभी तो निकले होंगे सर, अभी सब रेडी हो रहे हैं, सब आ रहे हैं ना धीरे धीरे करके। सर आगे
थोड़ा ब्राइटनेस बुरा कर दे इसको, कर दीजिए। ब्राइटनेस ऊपर भी है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं कैसा दिख रहा है। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है काफी पहले से, तो पहले से बेटर है। ठीक है ठीक है। मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, मैं किसी का मैसेज खोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मिल गया है। हाँ एक पीडीएफ 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 एक और कोई भेज देना अच्छा सा अभी, ये भी ठीक है, बट इससे भी बेटर अगर पीडीएफ हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक अपन देखते हैं क्या क्या सवाल आए थे। देखो भाई बड़ा खतरनाक खतरनाक, एक बार मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। छोटा हो जा भैया छोटा हो जा, छोटा हो जा भैया छोटा हो जा, श्रेष्ठ भैया छोटा हो जा। हाँ भाई छोटा हो गए हम, छोटा हो गए हम। हाँ और देखो क्या क्या सवाल है, ये तो सारे अंग्रेजी वाले आ गए है ना, अपन तो अंग्रेजी के टीचर है नहीं, तो अपन क्या पढ़ाएंगे, अपन जीके चेक करते हैं। जीके में और सवाल देखा जाए क्या क्या आए हैं। जीके 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 कहाँ है भैया जीके, कब आएगा जीके। जीके 76 से स्टार्ट हुआ है, तुमको पता है 76 स्टूडेंट्स हुआ करते थे हमारे सैनिक स्कूल अंबिकापुर में जब हम ज्वाइन किए थे। 76 बच्चों का सिलेक्शन होता था, 76 से जीके स्टार्ट हो रहे हैं। लाइव 35 बच्चे लाइव आ चुके हैं। अब मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, मैं भूल गया ज्वाइन नाउ करके, जल्दी से ज्वाइन नाउ करते हैं। कहाँ है कहाँ है फौजी भाई। अच्छा सौरभ सर जल्दी हो जाइए तैयार अभी। ज्वाइन 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 फौजी 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 ला 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 ला। ज्वाइन 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 सबको मैसेज डाल दे रहा हूँ एक बार ग्रुप में, व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे एक बार मैसेज सबको चला जाए, सब ज्वाइन कर लें ताकि फिर अपन शुरू करें डिस्कशन। 5 बज चुका है, डिस्कशन का टाइम शुरू पहुंच चुका है। सौरभ सर शुरू कर देते हैं अपन, अपन जल्दी से शुरू कर देते हैं। देखो भैया इसमें अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, तो कौन, ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट, पर इन्होंने गलत दे दिया है, कोई बात नहीं। मूविंग ऑन, सर पेन दे दो, दे सकते हो क्या, है ना, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कहाँ। अच्छा चलिए आप अभी करिए, इसमें मैं ऊपर ऊपर से डिस्कशन कर ले रहा हूँ, फिर मैं आराम से डिस्कशन कर लूंगा। अब फटाफट आप करिए ना, तो डिस्कस कर लूंगा। कहाँ, कैलकुलेटर। अच्छा ठीक है, जल्दी सर जल्दी एक पेज तो आ जाओ आप, जल्दी आ जाओ एक पेज। एक पेज तो हो गया, हो गया क्या, आ जाओ फिर कर लेता हूँ एक और पेज छोटा से। आपके 2 पेज में मैं पूरा का पूरा जीके कंप्लीट करा दूंगा। हाँ। करा दूंगा जब आप आओगे तब। कोलकाता लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ, ये हो गया। यहाँ पर देखो रामायण का बहुत अच्छा सवाल आया था कि लॉर्ड श्री राम ने सीता से शादी कहाँ पर की थी, जनकपुर की थी ना सीता माता, हाँ जी जनकपुर की थी। फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ, आसान सवाल, सबसे आसान सवाल 81, टंग इसका आंसर है हीलिंग। अभी बताऊंगा सारा एक एक करके अच्छे से आराम से टिक करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक बार सौरभ सर को आ जाने दो, एक बार मैं उधर बैकग्राउंड पे जाऊं, थोड़ा क्वेश्चंस को एक बार रीचेक कर लूं, अच्छे से कंफर्म कर लूं कि सही आंसर है कि नहीं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फटाफट जीके लिपटवा दूंगा आधे घंटे के अंदर में। और कौन सा सवाल अच्छा है, अच्छा संजना ये कुछ ज्यादा ब्राइट हो गया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। वेयर इज योर आईफोन, आईफोन नहीं बड़ा मेरे पास आईपैड है, आईफोन नहीं रखते, आईफोन बड़े लोग रखते हैं। अपन 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 बड़े लोग नहीं, अपन अपन छोटे लोग हैं, छोटे मतलब अपन लोग ज्यादा खर्चे नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। योर चैनल, ये लाइव जा रहे हैं हम लोग, इसमें देखते हैं एक बार मैं देख लूं कि भैया ज्यादा सफेद हो गया लग रहा है मुझे, ज्यादा ब्राइट हो गया, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देते हैं, आईपैड का ब्राइटनेस कम कर देते हैं। कॉन्फिगर वीडियो, देखते हैं कुछ डिफरेंस आया क्या, आया तो है डिफरेंस, अभी भी बहुत ज्यादा चमक रहा है, कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, कैसे इतना चमक रहा है ये।
आईपैड कॉन्फ़िगर वीडियो, ब्राइटनेस और कम कर दिया हमने, कंट्रास्ट और घटा दिया। अब देखते हैं क्या होते हैं। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब थोड़ा सा ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, संजना, संजना से रिलेटेड सवाल है। अच्छा, सीड वाला सवाल है, सीड वाला वो भी कर लेंगे फटाफट। एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ डेजर्ट। इंटरेस्टिंग सवाल है, आसान था। कैमल, आपने बचपन से सुना होगा, ऊंट जो है वो 21 दिन का पानी एक साथ भर सकता है अपने पेट में, 21 दिन का एक साथ पी लेता है, फिर 21 दिन 21 डेज पीता ही नहीं है, फिर चलेगा उसको। अच्छा, फिर उसके बाद और कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। डांस, डांस का सवाल है, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है। आप लोगों को मैंने बताया था ना, कथकली से लेकर आपके भरतनाट्यम तक। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वाला है सवाल, इसका तो स्पीडोमीटर करेक्ट आंसर दिया हुआ है बच्चे ने भी। और क्या, स्केटिंग का सवाल आया है। फिर उसके बाद देखोगे तो लोटस डेकोरेशन का, मैं यहाँ पर वो सवाल ढूंढ रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंट। एक आध सवाल तो फंसे यार मेरा। डैश इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द पद्म भूषण अवार्ड इन 2007। माउंटेन्स अरेन्ज इन अ लाइन इज नोन एज। वॉटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज। ठीक है ठीक है, आसान सवाल है। हालांकि ये वाला सवाल आपको आई थिंक क्लास 7th या 8th में मिलता है, ये जो 92 सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग अपना सेट के हिसाब से देख लेना ना, हर सेट में अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर सेट कौन सा है, आई थिंक सेट जे है। उसके बाद विच एनिमल वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैस्कोट ऑफ द दिल्ली एसोसिएशन गेम्स। चलो ये भी अच्छा सवाल है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेस रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी जो होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है। आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डायरेक्टर प्रोफेसर फिजिक्स टाटा इंस्टीट्यूट। हाँ, आर्यभट्ट। अरे गधो, आर्यभट्ट तो कब भाई मर गए, वो तो कब के थे, 1500 साल पहले आए थे। आर्यभट्ट कहाँ से हो गए, रामानुजन भी नहीं होंगे, कोई चांस ही नहीं है। आसान था इसमें से, होमी जहांगीर भाभा में होंगे डेफिनेटली आंसर। व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म, 1971, ये सही लिखा हुआ है बच्चे ने। यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन 1945, भैया 1945 में। ठीक है, ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, जॉन्डिस ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, लिवर से रिलेटेड है जॉन्डिस। डायबिटीज आपके पैंक्रियाज से रिलेटेड होता है, पैंक्रियाज एक ऑर्गेन है बॉडी का, जॉन्डिस लिवर से रिलेटेड होता है। माइग्रेन इज रिलेटेड टू द ब्रेन, बोलते ना माइग्रेन हो गया, मेरे ब्रेन पे दर्द हो रहा है, तो दैट इज रिलेटेड टू माइग्रेन। तो यहाँ पर बच्चे ने गलत कर दिया। यहाँ पर देखो, काउ डंग में क्या होता है प्रेजेंट, मैन्योर के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, दो नाइट्रोजन वन। उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट के भी सवाल एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैं, कैसे हैं। सारे सॉल्यूशन आराम से बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, सारे डिटेल में बताऊंगा, अभी ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ। एक बार सौरभ सर को यहाँ पर आने दो, एक बार मेरे को आराम से बैठ के क्वेश्चन के आंसर निकालने दो, ताकि भैया कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तब तक मैं ऊपर ऊपर से बताता जा रहा हूँ। ये देखो आसान आसान सवाल है, फाइंड द ऑड वन आउट। अरे भैया, ऑरेंज, अर्थ, एग, बास्केटबॉल, खुद सोचो। ऑरेंज क्या है, खाने वाला चीज है, एग क्या है, खाने वाला चीज है, नहीं खाने वाली चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, शेप देखो शेप। ऑरेंज भी स्फेरिकल है, अर्थ भी स्फेरिकल है, एग जो है स्फेरिकल नहीं है, बास्केटबॉल स्फेरिकल है, इस हिसाब से तो एग होना चाहिए था आंसर। ठीक है, अगला क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट। 97, 47, 81, इसमें क्या बोल सकते हो, ऑड नंबर है सारे चारों, तो ऑड इवन वाला तो नहीं लगा सकते हो, 81 परफेक्ट स्क्वायर है ये बोल सकते हो, प्राइम नंबर वाला भी लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि 47 भी प्राइम नंबर होता है और 19 भी प्राइम नंबर होता है, तो सही किया बच्चे ने 81। पिक द ऑड वन आउट, बुक, पेंसिल, इरेजर, कंप्यूटर। बुक, पेंसिल, इरेजर या कंप्यूटर। देखो बुक पढ़ाई का चीज है, पेंसिल पढ़ाई का चीज है, इरेजर पढ़ाई का चीज, कंप्यूटर से करेक्ट आंसर टेक्नोलॉजी है वो। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें देखोगे तो आप एक रेक्टेंगल के, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चार कोने होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पेंटागन है, पेंटागन के अंदर हेक्सागन है, हेक्सागन के अंदर पेंटागन है, ट्रायंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें हाँ देखो, तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में आप देखोगे तो बाहर में अगर ट्रायंगल है तो अंदर में क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो अंदर के जो सिंबल्स हैं वो एक डंडी ज्यादा है ना, इसमें बाहर वाले में क्वाड्रिलेटरल है तो चार डंडी हो गए, चार साइड्स हो गए, पर अंदर वाले के पांच साइड है, इसका पांच है बाहर तो अंदर छह है, इसका तीन है बाहर तो अंदर चार है, लेकिन इसके केस में उल्टा हुआ है, इसके में बाहर छह है अंदर कम हो गया है, तो सी इज द थर्ड इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। फाइंड द ऑड वन आउट, कानपुर, विजयवाड़ा,
गंगा गुवाहाटी, कानपुर विजयवाड़ा गुवाहाटी ये शहर के नाम है, गंगा जो है वो नदी का नाम है। आईक्यू तो आसान आया लग रहा है। ये भी आसान है देखो, गिटार भी आप इसमें भी अलग ढूंढना है, गिटार आप स्ट्रिंग से बजाते हो, वायलिन भी स्ट्रिंग से, सितार भी स्ट्रिंग से, पर फ्लूट, फ्लूट तो भैया कृष्ण भगवान बजाते हैं हवा से, फूंक से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फोर होगा, ठीक है, थ्री मत डालो, थ्री गलत है, फोर इज द करेक्ट आंसर। और क्या भैया, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, एनालॉजी आपको इसका निकालना है, ट्राई करके देखो कैसे निकलेगा। डी कितना होता है, डी होता है आई थिंक, डी मतलब फोर्थ, डी फोर्थ ए फाइव, पांच ये हो गए। और जी क्या होता है, ई एफ जी सेवन, सबके सबके प्लेसेस को ऐड किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। देखो आसान है, डी फोर्थ पोजीशन पे आता है, जी सेवेंथ पोजीशन पे और ए फर्स्ट पोजीशन पे, तो फोर प्लस सेवन प्लस वन, फोर प्लस सेवन प्लस वन ट्वेल्व, तो ट्वेल्व हो गया। तो वैसे इसका निकालोगे, ए का वन, एम का कितना होता है, एम का होता है थर्टीन, 1 प्लस 13 14, 14 प्लस Q होता है, Q होता है 15 16 17, 17, तो 17 प्लस 14 कितना हो गया, 17 प्लस 14 विल बिकम, 17 प्लस 14 विल बिकम 31, 31 इसका क्या आंसर, बहुत अच्छा 31, आसान था भैया। फाइंड द मिसिंग नंबर, देखो फटाफट आंसर चेक करते रहो, आंसर चेक करते रहना मालिक मालिको, ठीक है। मैं फिर से पूरा वापिस से करूंगा रिपीट, ठीक है, वापिस से करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। द ओनली पॉइंट इज कि अभी आप लोगों को, अभी मैं ऊपर ऊपर से बताता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहे, बाकी हो सकता है ना कोई सवाल मेरे से भी नहीं बने यहां पर प्रेजेंटली, तो इसीलिए अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। जैसे ही सौरभ सर आएंगे स्टेज पे, मैं फटाफट जाके सारे क्वेश्चन रीचेक करूंगा और फिर प्रॉपरली आपको सारे आंसर की बताऊंगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप सबको ज्वाइन कर लो भैया, जो फौजी बैच में ऑलरेडी ज्वाइन हो, जो नहीं हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों, ताकि आपको आंसर की हम लोग वहां पर भेज दें पूरा एबीसीडी करके 1 2 3 से, ठीक है। 5 का 22 है तो 8 का क्या होगा, 5 का 22 है तो 8 का क्या होगा, क्या कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 जा 20 प्लस 2, 8 4 जा 32। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल लग रहा है मुझे, अगर 5 में क्या करेंगे इसका, 5 का क्या हो गया, चैट में क्या बोल रहे हो सर, मैं सुबह 3 फोन से सब्सक्राइब किया, थैंक यू आदित्य कुमार, थैंक यू सो मच, कानपुर, आई लिव इन कानपुर, अच्छा अनुज, हाँ भाई, यहाँ पर देखो 80, यहाँ पर मेरे को थोड़ा लग रहा है दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको मैं बाद में देखता हूँ सवाल को आगे आराम से, अभी इजी इजी वाले करते जा रहे हैं अपन, ये एक इजी पीजी सवाल लग रहा है। डायग्राम दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, एक ए एंड बी आर रिलेटेड इन पर्टिकुलर मैनर, आपको देखना है कि ए और बी का जो रिलेशन है उसी रिलेशन को यूज करके सी और डी का बताना है। तो आप क्या करोगे, ए में देखो, ए में भी सर्कल था, इसमें सर्कल था, इसमें भी सर्कल है, तो बाहर तो गोला ही होने वाला है, तो चारों ऑप्शन में गोल गोली 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 है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। फिर अंदर में देखो, वो जो एरो है उसी टाइप का ये डायरेक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर एरो दिया है तो एरो टाइप का शेप होना चाहिए, चारों में एरो टाइप का शेप है, तो खाली अब एंगल का खेल है, कितना घुमा है, कितना घुमा है वहां पर देखो, ये फर्स्ट से सेकंड में जाने में लगभग घुमा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 प्लस 45 घुमा है, तो इसको भी 90 प्लस 45 घुमाओ, 90 घुमाओगे तो ऐसा आ जाएगा राइट साइड में और फिर 45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में बताऊंगा, अभी मेरे पास पेन नहीं है ना इसलिए नहीं बना पा रहा हूं, अभी पेन आएगा मेरे पास तो फिर मैं गोदूंगा अच्छे से, फिर आपको समझाऊंगा क्या है, ठीक है। कंप्लीट द पैटर्न, कंप्लीट द पैटर्न, ये भी आसान लग रहा है मुझे देख के, तो फिगर वाले जनरली आसानी होते हैं। स्क्वायर के अंदर में सर्कल बना हुआ है और क्रॉस्ड है, सर्कल के अंदर स्क्वायर कर दिया, तो यहां पर आप देखो रोम्बस के अंदर में स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर में रोम्बस करना है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, उसके बाद आप देखते हैं थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से कुछ होगा, तो थर्ड और सॉरी सेकेंड और फोर्थ में से कोई सामने वाला है, तो हमको सेकेंड और फोर्थ में क्या देखना है कि देखो यहां पर जो क्रॉस हुआ था वो क्रॉस का जो एंगल था वही एंगल पे है, ऐसा क्रॉस है, लेकिन यहां पर कैसा दिया, ऐसा दिया है, तो अपने को ऐसा रखना है सवाल में, ऐसा वाला ऑप्शन नंबर टू में नहीं दिख रहा है, ऐसा वाला किसमें दिख रहा है, फोर में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज अ पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, इनमें से कौन सा है जो गिवन फिगर का पार्ट है, जी हाँ सर जल्दी आइएगा, हमारे करंट व्यूअर्स थोड़े कम होते जा रहे हैं, कृपया करके जल्दी करिए सर, आज ही आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कर दीजिए।
सौरभ सर सुन ही नहीं रहे हैं, एकदम बिजी, ध्यान में खोए हुए आंसर सॉल्व करने में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज अ पार्ट ऑफ द गिवन फिगर? सिंपल है, इसमें से कौन सा है जो इसमें आपको मिल जाएगा? तो पहला वाला दिख ही रहा है साफ साफ कि पहला वाला उसमें एडेड है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? इनमें से कौन सा नंबर है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, क्या 6 होना चाहिए? 6 होना चाहिए क्या भैया? 6 तो होना चाहिए, लग तो रहा है। अच्छा देखो, अपोजिट को ऐड करके देखो, 2 + 5 7 होता है, 3 + 4 भी 7 होता है, तो 7 करने के लिए 1 के अपोजिट में क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ताकि 1 + 6 7 हो जाए। ये भी आसान था। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, 114 में क्या दिया हुआ है? मैं फिर से बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं रिपीट करूंगा सारे क्वेश्चन आंसर टिक करते हुए अच्छे से। अभी बस शॉर्ट में अपन कर रहे हैं, ताकि बाकी बच्चे जब तक ऐड हो तब तक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आंसर मिलता रहे। जैसे ही सारे बच्चे आ जाएंगे अभी लाइव पे अगले 15-20 मिनट के अंदर में, तब तक अपन पूरे के पूरे टिक फटाफट करना शुरू करेंगे आंसर की, और आप लोग मैच करना शुरू करना, अपने मार्क्स गिनना शुरू करना। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। बॉटम से टॉप में आपको लॉजिकल ऑर्डर में करना है, बहुत आसान है ना? आगे सत्ताईस क्या सर? क्वेश्चन हाँ जी, सत्ताईस क्वेश्चन हाँ कर लीजिए कर लीजिए। तो आ रहे सौरभ सर आप लोगों के लिए मैथ्स का लेकर सॉल्यूशन, तब तक मैं जीके का एकदम अच्छे से करके लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को भी कोई डाउट ना हो। तो मैं अपना आईपैड ले जाऊं सर? ठीक है। फिर नहीं आया। एक बार उसको डिवाइस को रिकनेक्ट कर। हाँ गया, लीजिए। हाँ भाई, मैथ्स के लिए रेडी हो जाओ, सौरभ सर आगे ये आने वाले क्या हैं। गायब हो जा रहा था ज्यादा वो करने में? हाँ क्या करने पे? हाँ, इसमें इसमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, वहां पर आपको लग रहा है, बट इसमें ज्यादा दिख रहा है एकदम वाइट। थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुको। कितने देखो, अभी ठीक है ना? चलो देखो। ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे अपन, है ना? कहाँ है, सबको याद है? जल्दी से, सब कोई है यहाँ पर जितने लोगों ने दिया है? सर ये किसका है, किसका है? अपन नाम नहीं बता सकते है ना? चलो सिक्स सुशांत कुमार सर्वो, सर ये किसका है? चलो जल्दी से सभी को आ जाओ, हाउस द जोस एवरीवन, कैडेट जल्द से बताओ कैसा है जोस आप लोगों का? सर आ जाओ कि चलो जल्दी से अपन सॉल्व करते हैं इसको। मैं अपनी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ा आईपैड की, ताकि अच्छे से दिखाई दे। चलो हाई 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 हाई, चलो जल्दी से सभी को आ गए हैं, है ना? एंड 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 चलो तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ्स के फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? 3 पेज अभी यहाँ पर आए हैं, तो 3 पेज अपन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से सॉल्व करेंगे। फिर मैं सर आप कैसे? चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। 5 - 3 = 2 = 5 × 4 + 2, क्या बोल रहे हो पारस, है ना? सर एक बार और ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा सबको ज्वाइन करने के लिए, है ना? स्टार्ट हो चुका है करके। हाँ चलो बिल्कुल, सर तो मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बार मैसेज करो, जल्दी से सब कोई जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 45 स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार आप लोग मैसेज करोगे क्या स्टार्ट करें? नॉर्मल पेन बनी पेंसिल है। स्टार्ट कर दीजिए। चलो चल स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ, जल्दी से रिप्लाई। सर रिप्लाई नहीं आ रहा बच्चों का, आज छोड़िए ना, मैसेज क्या हो गया? कर रहे हैं। अच्छा चलो, यस यस सिद्धार्थ कह रहे हैं, यस 43 दिखा रहे हैं कॉन्कुरेंट व्यूअर्स। चलो जल्दी से आ जाओ सभी को ही। यस 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 यस, रुपेश का आ गया, सुशांत का आ गया, रजत का आ गया, रजत खान का स्टार्ट। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। यस तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो कन्वर्ट इट इनटू फॉरेनहाइट। फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है सबको? फॉर्मूला आपको बताया था हीट एंड टेम्परेचर में, तो फॉरेनहाइट जो होता है वो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। कितने लोगों को याद है? डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 × 32। मोक्ष कह रहे हैं यस, सिद्धार्थ कह रहे हैं यस, आदित्य यस, चलो सबको कह रहे हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 37 × 9/5 + 32, सॉल्व करो 37 × 9/5 + 32, ये आपका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट कन्वर्ट करने का। यस और नो, जल्दी से बताओ सबको ही। यस, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो देखो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है डेसिमल में आएगा, क्योंकि 37 और 9 दोनों 5 से डिविजिबल नहीं है।
37 और 9 दोनों 5 से डिविजिबल नहीं है तो डेसिमल में आना चाहिए। एक्चुअल में इसका आंसर आपका आ रहा है 98.6, तो आपका सबसे पास में ऑप्शन है 98.5, तो डी इज द करेक्ट आंसर 98.5। यस यस, बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर। चलो, आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन -50 एंड 72, तो 72 -50, कई लोग ये काम नहीं किए होंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 72 प्लस 50 कितना हो जाएगा 122। क्लियर क्लियर, डायरेक्ट कई लोग माइनस कर दिए होंगे 72 माइनस 50 है ना, और आंसर दे दिए होंगे 22। खैर 22 भी ऑप्शन में नहीं है, इनको थोड़ा टफ बनाने के लिए 22 भी ऑप्शन में देना चाहिए था। तो माइनस 50 से 72 मतलब 50 प्लस 72, 50 प्लस 72 इज 122। चमक रहे कैडेट, जल्दी से बताओ हम करते हैं, एक्सप्रेस करना है 18 केजी 5 ग्राम को एज अ केजी, तो 5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है डिवाइड बाय 1000, सबको याद है ना, 1000 ग्राम मिलके क्या बनता है 1 केजी, 1000 ग्राम मिलकर के आपका क्या बनता है 1 केजी। यस, तो आप इसमें क्या करोगे, तो 5 ग्राम मतलब डिवाइड बाय 1000, तो 0.005 प्लस 18, तो 18.0054 इज द करेक्ट आंसर। इजी है, जल्दी से बताओ सर, 32 तक फॉर श्योर सही है, 32 तक एकदम श्योर आपका सही है। चलो ये पेपर आप ही कहके पारस, ये पेपर आप ही कहके पारस। चलो एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, हेलो, हाँ चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे फिर से। चलो इजी है, ये आपका पेपर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑन 1 किलोमीटर व्हेन कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर, किलोमीटर जब मिलीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने जीरो, देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 जीरो आते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, कितने होते हैं 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। अब हर एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर, याद है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में आपके कितने मिलीमीटर हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर, तो कितने 3 और 3 6 0 हो गए। क्लियर। हेलो सर, हेलो वंदना, हेलो पारस, हेलो महेंद्र, हेलो आदित्य, हेलो सिद्धार्थ, हेलो, चलो रजत, मोक्ष, सबको है यहां, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर नंबर 99? इधर सुनो सबको, जितने लोग अभी AISSE की एग्जाम देकर आए हैं उनको हम लोग करेक्ट सॉल्यूशन यहां पर बताते जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, प्लस जो लोग अगले साल देने वाले हैं या अभी नहीं भी दिए या नौदे देने वाले हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग साथ में सॉल्व करते जाओ, है ना। ये क्वेश्चन पेपर मैं सेसर को बोल देता हूँ, वो ग्रुप में भेज देंगे तो आपके पास भी क्वेश्चन होगा। यस, बोल दूं फटाक से क्वेश्चन पेपर, तो जो लोग ने एग्जाम नहीं दी है उनको भी ये मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड करा देता हूं। यस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पेपर भेज दो, तो जो लोग ने पेपर नहीं दिया है वो भी देख सकते हैं क्वेश्चन सारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। चलो, हमने कह दिया सर को, सर को, है ना, और वो आपका अभी व्हाट्सएप पर आ रहा है और टेलीग्राम पर आ रहा है ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को देख पाओ, है कि नहीं। चलो, हेलो हेलो अनिता देवी, हेलो वंदना, पारस, महेंद्र, आदित्य, चलो जल्दी से, है ना, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द एंगल इन द गिवन फिगर इज, अच्छा ये नहीं, इससे ऊपर वाला भी तो बचा, ये सारा बचा, यहां पर थे 30 क्वेश्चन बताइए। यस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर 99? 90 कैसे लिखेंगे, 100 में माइनस 10, 100 कैसे लिखते हैं सी, तो उसमें माइनस 10, 90 हो गया, और 9 कैसे लिखते हैं भैया, 1 से 10 तक तो एकदम आदत होगी देखने की, है ना, 1 2 3 4 सी, क्या बात है, सी इज द करेक्ट आंसर महेश कुमार, क्या बात है। मेरे कोचिंग के लोग भी महेश कुमार की तारीफ कर रहे थे कि सर वो तो पक्का अच्छा, बहुत अच्छा पेपर गया होगा उसका, मेंटी में हमेशा टॉप में था। हाँ, यहाँ कोचिंग में आज मैं गया ना, तो कोचिंग के बच्चे लोग बोल रहे थे, लोग भी उस दिन मेंटी ज्वाइन किए थे ना मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स। चलो सी 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 आप लोग आंसर दे रहे हो, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा जो भी पीछे चल रहे हैं आप रिफ्रेश कर लो एक बार, तो आप लोग एग्जैक्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच पाओगे, ठीक है। विच ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एम एक्स एल आई आई, एम एम मतलब होता है 1000, है ना, और एल का मतलब कितना होता है 50 में से 10 कम तो 40, है ना, तो 1042, यस और नो, है ना, एल मतलब 50,
एलसीडी एल मतलब 50-50 में से 10 गया, 40-42, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 1042, एम किसके लिए, याद है ना, आईवीएक्स एलसीडी मिलेगा, कितने लोगों को याद है जो मैंने बताया था आप लोगों को, आईवीएक्स एलसीडी मिलेगा 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000, तो एम की वैल्यू क्या हो गई 1000, और एल की मतलब 50 में से 10 गया 42, अब ये क्या लिखा हुआ है, एलसीडी मिलेगा, तो सी का मतलब क्या है 100, और ये 100 माइनस 10 90, 194, 5 में से एक गया 4, 194, पढ़ पा रहे हो क्या सर, मेरा एक ही सही है, अच्छा बाकी गलत हो गया आपका, कैसे भैया 194, ये प्लस माइनस, अब यहां पर माइनस देखो, ये एलसीडी एल मतलब 50 प्लस 10 60, 63, ये कितना लिखा हुआ है 63, किसी भी बड़े सिंबल के राइट में अगर कोई सिंबल है तो वो ऐड होता है, लेफ्ट में है तो माइनस होता है, याद आ रहा है क्या कैडेट्स, सबको याद आ रहा है ये, है ना, चलो सो माइनस 50 एंड 10 63, तो ये कितना जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 1042 प्लस 194 माइनस 63, करो जल्दी से सॉल्व करो, मैं आपका फटाक से करके बता देता हूं ये आपका कितना आ जाएगा, है ना, सर मेरा एक ही सही है, क्या हो गया बाकी गलत कैसे हो गया, कैसे गलत हो गया, फन विद रितिका एंड गौरव कैसे गलत हो गया, 1042 प्लस 194 माइनस 63, आपका आंसर आ रहा है 1173 मतलब 1170, 70 कैसे लिखोगे 50 60 70 3, ये तो बहुत इजी था, 1100 कैसे लिखोगे, एम से 100 किससे लिखते हैं, सी से, फिर 70 मतलब 50 प्लस 10 प्लस 10 73, MCLXXIII, ये जिसका भी पेपर था गलत हो गया उसने 3 आंसर किया था, आंसर इज 1, सर जल्दी से सॉल्व करो पेपर, जल्दी-जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, एकदम जल्दी-जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, है ना, आगे करते हैं, नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 29 डिग्री मोर देन डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना जाएगा 136 माइनस 77, है ना, तो 36 प्लस 23 कितना हो जाएगा 23 6 7 8 9 3 4 5 159, और 159 में 29 ज्यादा 9 9 18 का 8 कैरी 1 5 6 7 8 188 डिग्री, है ना, तो 188 डिग्री कौन सा हो गया, More than the difference of one, अच्छा नहीं खाली 36 साइड होगा ना, तो 88 मतलब acute angle is the correct answer. इधर देखो यहां पर आपको क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ 136 एंड 77, 136 माइनस 77 कितना आ रहा है 59, अब तो 59 में आपको क्या बोला 29 ज्यादा 29 ज्यादा, तो 29 ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 88, जस्ट एक कम, 90 होता तो राइट एंगल हो जाता, 90 से ज्यादा होता तो ऑब्ट्यूस हो जाता, तो 90 से एक कम है भैया, अगर एक भी कम है तो आप क्या लिखोगे एक्यूट एंगल, चलो अब यहां बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर इज लार्जर देन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल, एक राइट एंगल कितना होता है 90, तो टू राइट एंगल कितना हो जाएगा 90 × 2 180, कितना हो जाएगा 180, तो 180 डिग्री से ज्यादा, भैया एक ही ऑप्शन दिख रहा है रिफ्लेक्स एंगल, याद आ रहा है फौजी बैच के क्लास में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से ज्यादा होता है, तो ये रहा सी, सी वाला एंगल, तो ओनली सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं अपन, ताकि आप लोग अपना मैच भी कर पाओ, है ना, और जिनके लिए नया है उनके लिए हमने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी भेज रखा है, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है, दो सही है, चलो फन विद रितिका एंड गौरव के दो सही हैं, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन, ऑल क्वार्ट्स ऑफ द सर्कल आर डायमीटर, ना 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 झूठ बोल रहा है भैया, क्वार्ट क्या होता है जो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे, याद आ रहा है क्वार्ट क्या होता है जो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे, क्या ही डायमीटर है, ना 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 फॉल्स, है ना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल, हाँ मैंने आपको बताया था ये पार्ट बड़ा होते जाएगा अगर मैं ऐसे सेंटर की तरफ जाऊंगा, और सबसे बड़ा कब होगा जब वो सेंटर से पास होगा, और पार्ट जो सेंटर से पास होता है उसको क्या बोलते हैं डायमीटर, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल, ट्रू बिल्कुल सही, तो ओनली बी इज ट्रू, तो सेकेंड करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, ठीक है, ओके ऑल आर करेक्ट, अच्छा आरती सिंह कह रही है उनके अभी तक के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, क्या बात है, है ना, तो अपन ने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 26 से लेकर के 34 तक, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना, अभी आगे क्या बोलना चाह रहा है, अब बुलक कार्ट इज कैरिंग 230 केजी ऑफ सैंड, है ना, इफ दिस मच केजी स्लिप्ड आउट 4.65 केजी, तो कितना बचा, माइनस करना है,
230 में से 4.65 माइनस करोगे तो 225.35। अरे भैया माइनस करना है। अच्छा अभी तक एक भी टफ क्वेश्चन था क्या 35 तक? 25 से 35 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन में कोई टफ था नहीं। यस yes? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 टू 50 देन द टाइम टेकन विल बी, मैंने आपको बताया था ना स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद आ रहा है कैडेट्स? स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तेज भागोगे तो कम समय लगेगा, धीरे धीरे भागोगे तो ज्यादा समय लगेगा। यस और नो? यस। तो वही बात हो गई, आपका जो स्पीड और टाइम है वो इनवर्सली, तो स्पीड को अपना आधा किया तो टाइम क्या हो जाएगा? डबल। इजी था? यस और नो? जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर हैं मेरे को एक बार जोश के साथ आंसर देंगे, यस और नो? इजी था अभी तक के 11 क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने। सर मेरा सही है शिवांश सिवन्य स्टडीज का सही है, आरती सिंह ऑल आर करेक्ट, सत्येंद्र यस, अनिता देवी यस। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। If the speed of car is reduced from 100 to 50, then the time... अच्छा ये तो हो गया, डबल कर दिया अपन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड सिक्स डिजिट हैविंग थ्री डिजिट। ये अच्छा सवाल है, देखो ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि हाँ ये दिमाग टेस्ट करने वाला है। 38 वाले का आंसर है ना, जिसने किसी ने ये टिक करके आया ही गलत है, वन इज रॉन्ग आंसर। आपको अगर खाली बोलता चार का सबसे बड़ा और छह का सबसे छोटा को ऐड करो तो आपका वन आंसर आता है ना, बिल्कुल ये आपका आंसर आता, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है। आपको बोला है कि चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और छह डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिसमें तीन डिफरेंट डिजिट हो, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से सुनो कैसे करना है, कितने लोगों को आता है सही सही बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है और कितने लोगों को नहीं। सर मेरा जीके गलत हो सकता है, जीके आपका गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी मैं आपका मैथ्स बता रहा हूं फटाफट, उसके बाद आएंगे आपको जीके बताएंगे। मी 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 मी। अब देखो आपको बोला है फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है ना, मैं एक रफ पेपर आपका यहां पर ओपन कर ले रहा हूं, अगर होगा तो ये रफ है ना। ओह एड्यूमेंशन हर कैंडिडेट की पहली चॉइस, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या बोला है फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9999, जिसमें एटलीस्ट तीन डिफरेंट डिजिट यूज हो, तो दो डिजिट और यूज करना है। चलो अगर मैं थोड़ा छोटा करूं तो इसमें एक ऐड कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी भी दो डिजिट यूज हुआ तो और छोटा करना है। देखो 9998 थोड़ा छोटा किया तो एक ही डिजिट चेंज हुआ, अब मेरे को एक और डिजिट चेंज करना है, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करना है तो कितना कम करते 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 आऊंगा तो 80 की लाइन में आएगा, तो 998। अगर मैं फिर 9 यूज कर लूं तो देखो अभी भी दो डिजिट यूज हुआ, तो और छोटा करने के लिए इसको एक और कम करना पड़ेगा 8, फिर भी नहीं होगा तो एक और कम करना पड़ेगा 7। 9987 फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जिसमें तीन डिफरेंट डिजिट यूज हुए, वो यही होगा क्या? इससे बड़ा कोई नंबर बता दो मेरे को फोर डिजिट का जिसमें तीन अलग अलग डिजिट यूज हो रहे हैं, कोई कर पाएगा? कोई सॉल्व कर पाएगा है ना? नहीं कर पाओगे, सही है। अब आपको क्या बोला छह डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, छह डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें तीन डिफरेंट डिजिट यूज हो। भैया दो डिजिट तो यूज हो गए, एक और डिजिट यूज करना है, क्या मैं लास्ट वाला वन कर सकता हूं? नहीं, तभी दो डिजिट होंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा? टू, तो 100002 बस। तो ये हो गया आपका छह डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिसमें तीन डिफरेंट डिजिट यूज हुए हैं, और ये हो गया फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जिसमें तीन डिफरेंट डिजिट यूज हुए हैं, इन दोनों को एड पूछा था। तो 9988 9 8 9 9 0 1 1 0 9 9 8 9 1 0 1 0 9 9 8 9 B is the correct answer था कि नहीं मैं बोलूंगा पूरे चैप्टर पूरे अभी तक के क्वेश्चन में बस एक ये था थोड़ा अच्छा AISSE के टक्कर का मतलब AISSE के लेवल का है ना। सही है मेरा। चलो फन विद रितिका एंड गौरव का सही है, प्रकृति कह रही नो। चलो तो प्रकृति मैंने आपको आंसर बता दिया, शिवांशु मैं सही सही मेरा, चलो सही है, काफी सारे लोगों का सही है, क्या बात है क्या बात है, मस्त। ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने ये सॉल्व किया है करेक्ट सॉल्व किया है करेक्ट मेथड से सॉल्व किया है तो मैं बोलूंगा कि यस गुड वेरी गुड वेरी गुड कीप इट अप है ना, मेरा भी सही है, क्या बात है क्या बात है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सेपरेट दिस फ्रॉम द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर फॉर्मूला यूजिंग, इन सबको यूज करके जो आपका सबसे छोटा नंबर बन रहा है सबसे बड़ा नंबर बन रहा है उसके सम में इसको सेपरेट करना है। भैया इसका पूरे का सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा? 85310। सबसे छोटा क्या बन जाएगा? 10358। तो दोनों का ऐड करने के बाद 8 5 एंड 1 6 दिख रहा है ना, मैं सामने तो नहीं आ रहा,
ठीक है 3 3 6 5 9 9 5 6 6 8 9 5 6 6 8। तो अब इसमें से आपको माइनस करना है कितना 2 8 2 8 5 7 6। तो ये आ गया 2 16, तो 6 9, यहां से चला गया था 5 माइनस 5 इज 0 5 माइनस 8 15 माइनस 8 15 माइनस 8 कितना, यहां से कैल्शियम ले लिया तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, और यहां गया 8 8 माइनस 2 इज 6 6 7 0 9 2। बिल्कुल करेक्ट, ये जिसने भी टिक किया उसका बिल्कुल करेक्ट है, और ये जिसका भी पेपर है ना, सर ने मेरे को भेजा तो आई डोंट नो कि कौन से बच्चे का पेपर है ना, तो उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, बस एक क्वेश्चन ये गलत हुआ है अभी तक, है ना, एक और शायद पहले हुआ है, बाकी उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं। सही है, मेरा भी सही है, चलो क्या बात है, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो मैं यहां पर मेरा टारगेट है कि भैया बकवास कम से कम किया जाए और आपको जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन के साथ विथ सॉल्यूशन आपको मैं बताऊं। तो जैसे ये क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने अलग से पूरा एक पेज में आपको अच्छे से सॉल्व करके कि कैसे 3 डिजिट अलग अलग डिजिट यूज करके सबसे छोटा नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है, और अपन ने सॉल्व किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला यहां पर, द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, पहले क्या आता है सी, तो वो 90 और सप्लीमेंट्री 180। The complement of 1/4 of the straight angle, straight angle मतलब 180, उसका 1/4 कितना 45 का complement क्या होता है 45, तो acute angle is the correct answer A, है ना, और half of right angle, yes 45 को क्या बोलते हैं half of right angle, तो DB और AB दोनों correct, then both A and D are correct। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, 1/4 of straight angle, straight angle का मतलब कितना होता है 180, उसका 1/4 मतलब 1/4, तो 180 का 1/4 कितना हो जाएगा, 180 का 1/4, 180 का 1/4 आपका हो जाएगा कितना 45 डिग्री, और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 45, तो वो राइट एंगल भी है और एक्यूट भी है। ठीक है, आगे बढ़े जल्दी से। एन एंगल इज, मेरा सही है मेरा सही है, सही है, सही है, क्या बात है, महेंद्र का सही है, फानवी, त्रितिका एंड गौरव का सही है, चलो क्या बात है, मस्त मजा आ गया, है ना, गुड 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 गुड, काफी सारे लोगों का सही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट, व्हिच फ्रैक्शन विल बी इन द सेकंड लास्ट प्लेस, मतलब सबसे सेकंड सबसे बड़ा पूछा है, सेकंड सबसे बड़ा, तो आपको देखो कंपेयर कर लो, 3 3 9 5 1 5, तो ये बड़ा है इससे, है ना, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 6 3 18 5 5 25, तो ये बड़ा है इससे, है ना, इससे 1/3 से बड़ा 3/5, 3/5 से बड़ा 5/6, है ना, अब 5/6 और इनको कंपेयर करते हैं, तो 15 × 5 5 5 25 5 carry 1 5 6 75 6 42, अरे भैया ये बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, पता चल गया 5/6 सबसे बड़ा है, लेकिन अपन को सेकंड नंबर का चाहिए, तो सेकंड नंबर का कौन सा होगा, या तो ये, तो कर लो 15 × 3 45 7 5 35, तो 3/5 बड़ा है, तो 3/5 सेकंड नंबर में, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 5/6, फिर 3/5, फिर 7/15, नहीं फिर उसका 7/15 और 1/3 में कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन पूछा ही नहीं है तो क्यों करें, ठीक है, तो आंसर इज 4, 3/5 इज द करेक्ट आंसर, एवरीवन 3/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में क्या करते हैं अपन, बड़े से छोटा, तो छोटे से बड़ा में जाना है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 6 2 12 5 3 15, भाई ये बड़ा है इससे साफ पता चल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों में 5 8 40, ठीक है, क्लोज बैटरी कम बोल रहा है, 40, ठीक है, 6 7 42, भैया ये बड़ा, वाह ये तो दिया ही हुआ है, 2/3 से बड़ा 5/6, 5/6 से बड़ा 7/8, देख लो कोई ऑप्शन में है, भैया इसमें नहीं है, काट दो, है ना, इसमें 2/3 से बड़ा 5/6, 5/6 से बड़ा होना चाहिए था 7/8, काट दो, यहां पर देखो 2/3 से बड़ा 5/6, 5/6 से बड़ा 7/8, यस यहां पर है 2/3 से बड़ा 5/6, 5/6 से बड़ा 7/8, नहीं है, काट दो, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं, यस और नो कैंडिडेट, जल्दी से बताओ, इजी था, चलो तो दो पेज अपन ने 43 तक कर लिया, 25 से 43 अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जल्दी से, है ना, एकदम कम से कम टाइम में अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपके लिए सॉल्यूशंस दे रहे हैं विद आंसर की विद सॉल्यूशन, है ना, यस 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 यस, किसके अभी तक मान लो एक या दो क्वेश्चन छोड़ के सब करेक्ट थे,
अभी तक अपन ने 19 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 19 में से 17 करेक्ट थे या 17 से ज्यादा करेक्ट थे। 43 अभी मैं 52 तक करूंगा, 43 में। ठीक है ठीक, मैं जीके हो गया। हाँ ठीक है, चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये जो टेबल दिखा दिया हुआ है आपको, है ना, सुगर की, राइस की, कॉफी की और व्हीट की, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं शिवांश मी। चलो तो सुगर, राइस, कॉफी और व्हीट, इन चारों के आपको प्राइसेस दिए हुए हैं। आपको बोला क्या है, सुगर और राइस का मिला के जो प्राइस है उसका रेशियो बता रहा है किसके साथ, कॉफी और व्हीट के साथ। चलो तो सुगर और राइस, सुगर और राइस का इन दोनों के साथ, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, और इन दोनों का सम कितना हो रहा है 300। तो दोनों का रेशियो पूछा है, तो जीरो ने जीरो को बेरेनी से मार डाला, है ना। फिर 3 6 18, 3 10 2 3 6 2 5, तो 3/5। ये गलत हो गया, ये जिसका भी पेपर था उसका गलत हो गया। 4 करेक्ट आंसर है, उसने 9/14 लिखा है। ओके ओके, चलो तो अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए इतने जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्या बोला, कंबाइंड प्राइस ऑफ राइस सुगर का रेशियो बताना है किसके साथ, कॉफी और व्हीट के साथ, टू दैट ऑफ कॉफी एंड व्हीट। गलत है श्रुति। चलो तो राइस और सुगर, है ना, उसको कंबाइंड कितना हो गया 180, ठीक है। और ये कितना हो गया 7 8 9 10, 10 का 0 कैरी 1 6 7 8 9 एंड 10, 10 का 0 कैरी 1 300, तो 180 और 300 का रेशियो यही तो आएगा। 0 ने 0 को मार डाला, है ना। फिर 3 6 18, 3 10 30, 2 3 6 2 5 10, 3/5, ठीक है, सही है। यस महेश ने कह दिया सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मी राइट, प्रकृति का भी करेक्ट है, क्या बात है। सुशांत कुमार, यस उसका भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। What least number should be added to each term of the ratio 7:13 to get 2:3? 7:13, दोनों में क्या ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ताकि वो क्या बन जाए, वो आपका बन जाए 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 प्लस 3 n 2 x 3 x इज इक्वल टू 13 2 26 प्लus x into 2 2 x, 2 x उधर ले आओ, तो 3 x - 2 x क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 26 - 21, दैट इज 5। इजी तो था, बहुत इजी क्वेश्चन था, 5, क्या बात है। अर्श यादव कह रहे के महेश दोबारा एग्जाम दिया है, अनिता देव 5, चलो क्या बात है, क्या बात है, गुड गुड। गोलू एंड मोंटू सर का बिग फैन, कल की अवतार मी। चलो कहां थे भैया, अभी आ रहे हो आप, है। चलो गोलू एंड मोंटू सर का बिग फैन, कहां थे आप। चलो नाउ बाय सेलिंग वॉच फॉर दिस मच जावेद लॉस्ट 15% लॉस हो गया उसको, है ना। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अभी अगर जब वो इस प्राइस में बेचा है तो उसको 15% का लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ मतलब कितने में बेचा, 100 - 15 कितना हो जाएगा 85%, तो 85% में उसने बेचा तो ये था, तो मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1275 × 85/100, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब इसमें आपको क्या बोला है कि कितने में वो बेचे कि 10% प्रॉफिट हो, 10% प्रॉफिट मतलब 110% में बेचना पड़ेगा, है ना। तो सॉरी इंटू 100/85, उल्टा कर दिया मैं इसको, इंटू 100/85, तो 100 ने 100 को मार दिया, 1275 × 110/85 आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 1650। ये महेश एग्जाम दोबारा एग्जाम दिया है चीटर, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, है ना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज 10 से 12 के बीच में तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, है ना, तो उसमें कोई चीटर नहीं है, वो आपका रूल बना हुआ है, AISSE ने ही वो रूल बनाया हुआ है, ठीक है। 5 अर्श में नवोदय दिया है, सैनिक नहीं, अच्छा अर्श नहीं, अगर मैं बता रहा हूं, अगर किसी ने दिया भी है अगर दोबारा तो आप दे सकते हो, दैट इज लीगल। अगर आप 10 से 12 एज के बीच में हो, आपके पास 5 का रिजल्ट है, तो आप एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सीमा एंड रवि इन्वेस्टेड 1,50,000 इन अ बिजनेस इन अ रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 के रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया, तो प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा, है ना। जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा, यस और नो। चलो सो अब आप क्या बोलोगे, 150% का प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल कितना अमाउंट हो गया, 250/100 × 1500। एक बात बताओ, जब भी मैं बोलता था 20% का मुनाफा हुआ, मान लो x रुपए था, उसमें 20% का मुनाफा हुआ, मतलब 120/100 करते थे,
20% मुनाफा हुआ, 100% था उसका 20 मुनाफा हुआ, अब मैं बोल रहा हूं 150% का मुनाफा हुआ। 150% मतलब 100 प्लस 150, तो आप क्या लिखोगे, 250/100, तो 1.5 लाख रुपए थे। 1.5 लाख में आप क्या बोलोगे, 250/100, ये टोटल मनी आपके पास आ गया, है ना। कल की बात चलो, इफ दे शेयर द प्रॉफिट मनी, अच्छा खाली प्रॉफिट मनी बोला है, खाली प्रॉफिट मनी, सेलिंग प्राइस नहीं बताना, तो खाली 150/100 करोगे, 150/100, क्योंकि खाली प्रॉफिट, टोटल अमाउंट नहीं, खाली प्रॉफिट बोला है कि प्रॉफिट को बांट रहे हैं वो लोग, है ना। आई एम हियर ओनली सर, अच्छा आप यहीं पर हो, चलो आपको क्या बोला, प्रॉफिट को बांट रहे हो, प्रॉफिट कितना, 150%, 150% मतलब 150/100, इसको बांट रहे हैं दोनों, किस रेशियो में बटेगा, 2:3, मतलब कितना हिस्सा करना है, 3 और 2 5, जिसमें से इसको कितना मिलने वाला है, पहले वाले को, सीमा को, सीमा को कितना मिलने वाला है, 2, तो इसको 2 हिस्सा मिलेगा, कितने में से, 5 में से, 2 जीरो ने 2 जीरो को बहरेमी से मार दिया, 5 3 15 3 2 6 6 5 30 0 3 6 9, है ना, कुछ गड़बड़ किया मैं, 1500 × 30 × 2, है ना, तो आपका आंसर आ रहा है 90,000, 4 इज द करेक्ट आंसर, ये जिसने भी टिक किया है 1 उसका गलत है, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 2/5 करोगे, पहले तो प्रॉफिट निकाला आपने, टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला आपने, ये टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, इसका 150% मुनाफा हुआ, तो इसका इनटू 150/100, है ना, अब ये टोटल बटा 2:3 के रेशियो में, मतलब 5 टुकड़ा, जिसमें से सीमा को कितना मिला, 2 टुकड़ा, तो 2/5, तो 0 ने 0 को मार दिया, आपस में 5 ने 150 को मार दिया, और आंसर आ गया 90,000 इज द करेक्ट आंसर। चलो 48 पे आते हैं, 90,000, यस यस यस, अनिता देवी कह रही है यस, 90,000 इज द करेक्ट आंसर, आई एम हियर ओनली सर, ठीक है। चलो तो अभिषेक सर ने मैसेज किया है, सभी को यहाँ पर जितने भी लोग हैं, है ना, वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, है ना, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अभी एग्जाम देकर के आए हैं, वो भी सॉल्यूशन के लिए भटक रहे हैं इधर से उधर, तो आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं, यस। चलो सर आ गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो भैया ये देखो, ये क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, है टफ नहीं है, तो आपका सिंप्लीफिकेशन, बट आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा एक तरीके से, ये एक नहीं, 4 सवाल है आपके लिए कि बताओ इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रुलाते हैं, लेकिन इनके लिए टाइम बचाना है, कैसे, कई क्वेश्चंस जो ओरली हो रहे हैं वहां से आप टाइम निकालोगे इन क्वेश्चन के लिए। सर आ गया, है ना, आ गया, चलो अनिता देवी कह रही है आ गया, महेंद्र प्रजापति कह रहे हैं 90,000, यस 90,000 इज द करेक्ट आंसर, उसका 90,000 करेक्ट आंसर है। चलो तो अपन सॉल्व करके देखते हैं, 21 - 15 कितना हो जाएगा, 6 6 - 6 तो 0 हो गया इधर, और क्या इधर 0 हो रहा है, ना बाबा ना, बिल्कुल 0 नहीं हो रहा है, 21 - 9 0 नहीं हो रहा है, काट दो, झूठ बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बी ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 6 6 36, ठीक है, तो 14 × 6 - 10, 14 × 6 6 = 24 7 8 84 में से 10 हटा दोगे तो 84 कहां से बचेगा, झूठ बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 भी झूठ बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, है ना, आपको क्या बोला है, 93 × 63 - 93 × 37, 93 कॉमन निकाल लेता हूं, तो 63 - 37 कितना हो जाएगा, 63 - 37, यस कितना हो जाएगा आपका, 26, तो इंटू 26, तो 26 × 93 आपका ये आंसर आ रहा है 2418। ओ भैया इसके बराबर नहीं है, ये भी झूठ बोल रहा है ना, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस करना है, पहले यहां पर ये इन दोनों में से तो कॉमन निकाल लिया मैंने 93, तो पहले माइनस कर लिया तो मेरा कैलकुलेशन कम हो गया, तो अगर पहले के तीनों झूठ बोल रहे हैं तो यही सही होगा, नहीं तो करके देख लो, 7 7 49 7 5 35 35 + 19, है ना, 25 - 6 कितना होगा, 19, तो 25 + 19, 14 × 4 = 1 3 4 5 54, बिल्कुल सही, डी वाला सच कह रहा है। आ गया अनिता देवी कह रही है डी, महेंद्र प्रजापति कह रहे हैं डी, कहां गए महेश, कहां गए, मैं भी आ गया, अच्छा सैम भैया भी आ गए, चलो क्या बात है। तो सबको हम एक बार ये बता दें कि आज का पेपर है, अभी बच्चे लोग देख करके आए हैं 2 से 4:30 बजे तक, 4:30 बजे वो पेपर देके निकले हैं, और अभी हम ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो 25 से अपन ने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कितने,
और ये अपन को सॉल्व करना है. अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा कचड़ा कम कर दे रहा हूं मैं, है ना, कचड़ा कम कर दे रहा हूं. हाँ, नाउ अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर बाहर वाला. ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना. आपको बुधमास रूल, वेरी बुधमास रूल याद है ना, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है. चलो, तो आंसर कह रहे हैं डी 26, नहीं कई लोग कह रहे हैं डी 28, कई लोग कह रहे हैं 26. लेट सी किसका करेक्ट है. महेश कुमार कह रहे हैं डी. सर मेरा नाम रौनक है. अच्छा, आपका नाम रौनक है, चलो. ओके रौनक, सुना, सबसे पहले यहां पर भी क्या करेंगे, डिवाइड. तो 2 3 6, 9 + 2 - 3 कितना हो जाएगा, 8 + 2 - 3 मतलब -1, 8. तो ये पूरा आ गया 8. ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आ गया आपका 8. ठीक है, अब क्या लिखा जाएगा, वो 6 + 7 ऑफ 3 - 8. अब इसमें सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ऑफ. सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ऑफ, है ना, बुधवास के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ऑफ. ठीक है, बी ब्रैकेट के बाद ऑफ, बी ओ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस. तो 7 ऑफ 3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. 7 3 सा 21 + 6 = 27 - 8 = 19. तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आ जा रहा है 19, और 19 + 9 = 18 = 1 = 28. डी इज द करेक्ट आंसर. 26 गलत है, अंशुमन द कैरेट, पारस 26 गलत है, 28 आंसर आ रहा है. एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, है ना. 6 / 2 = 3, 2 - 3 - 1, 9 - 1 = 8, बिल्कुल. तो माइनस एट आ गया. ठीक है, 7 3 = 21, 21 + 6 = 27, 27 - 8 = 19, है ना, बिल्कुल 19. और 19 + 9 = 28. यस, 28 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल. आपका यहां पर 28 करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं जल्दी से. द मीन वैल्यू बोला था. मीन का मतलब होता है भैया एवरेज, है ना. मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज. कई सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया गया था, मीन. मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज. तो आप यहां पर क्या बोलोगे, 13 14 19 a और 17, इन सब का एवरेज है 22. मतलब इन सबको ऐड करो, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 22. तो इन सबको ऐड करो, 10 20 30 40 50 63 63 by 5 63 + a by 5 की वैल्यू आ गई 22. तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 to the 10 0 carry 1 5 to the 10 11, 110 - 63 110 - 10 - 3 is 7, 10 - 6 is 4, 47 इज द करेक्ट आंसर. इजी था, यस और नो. सर मैंने मीन को एवरेज लिया और 47 आया. यस, 47 ही आएगा, है ना. चलो, मीन का मतलब आपका क्या है, एवरेज, और एवरेज आपने करेक्ट निकाला है एकदम. चलो आगे बढ़े. तो अभी अपन ने 50 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 51 52, दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर एक बार श्रेष्ठ रहेंगे, वो आपका पूरा जीके कंप्लीट कराएंगे, फिर अपन बचे हुए क्वेश्चन इसके करेंगे. सर मैंने मीन को एवरेज लिया और किया, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट पारस, 47 करेक्ट आंसर है ना. रौनक भी कह रहे हैं 47 आया, क्या बात है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वाह मेरे शेर सबके सब, है ना. एक बार जोश में सभी कोई, हाउ इज द जोश कैंडिडेट्स. नहीं सर, दो क्वेश्चन बस. अच्छा, यहां पर भी आपको क्या बोला है, एवरेज बताना है इसके चारों मार्क्स का, चारों चार ओवर में जो जो रन लिए उनका एवरेज बताना है. तो 35 + 6 + 98 कितना हो जाएगा, जल्दी से, 5 10 11 का 1 carry 1 41 41 और 98 9 9 10 12 9 10 11 12 13 139 139 by 4 139 by 4 कितना हो जाएगा, 139 divided by 4 is the correct answer, जो आ रहा है 34.75. भैया कितना इजी क्वेश्चन था, एवरेज बताना था, तो एवरेज कैसे बताओगे, सबका सम डिवाइड बाय 4, और साफ साफ आंसर आ रहा है 34.75. महेश कुमार कह रहे हैं हाय. ओके, ऐसे ही जोश होना चाहिए, जितना जोश हम लोगों के अंदर उतना ही जोश आपके अंदर भी होना चाहिए. यस, आई एम वेरी लेट आयुष, कोई बात नहीं आयुष, है ना, दे रहा है दुरुस्त है, कोई बात नहीं. आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से. व्हाट परसेंट ऑफ 4 days in 6 hours, तो 6 घंटे, और हाँ याद रखो, इधर आओ पास आओ
जब भी आपको परसेंटेज बताना है तो फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, और फ्रैक्शन सिर्फ सेम क्वांटिटी का होता है। यहाँ डेज बोला है और यहाँ आवर्स बोला है, क्या फ्रैक्शन ले सकते हो? ना 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 बाबा, इस डेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 4 × 24, अभी आ गया फ्रैक्शन परसेंटेज में करने के लिए, × 100, है ना। 6 × 4 = 24, 100/16, 100/16 आपका आ जाएगा 6.25, मतलब 6 × 1/4, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस याद रखना है कि भैया जब भी परसेंटेज निकालना है तो फ्रैक्शन की जरूरत है, और जो फ्रैक्शन है वो सेम क्वांटिटी का होता है, सेम यूनिट में। तो ये आर्स है तो ये भी आर्स में होना चाहिए, और अपन ने इसको आर्स में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया, है कि नहीं कैडेट्स? यस यस यस, महेंद्र प्रजापति कह रहे हैं सी पारसी, चलो आ गया आ गया आ गया, है ना। चलो अब मैं स्पेसर को बुला रहा हूं, है ना। अपन ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 27 मैथ्स के, 27 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, है ना, वो भी 40 मिनट्स के अंदर अंदर, 30 मिनट्स के अंदर अंदर। यस यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट। चलो जल्दी से स्पेसर को बुलाते हैं, स्पेसर आ जाइए। माइक लगाइए, बंद है माइक, ऑन है, कौन सा माइक ऑन है, माइक ऑन है, वही होगा तुमने क्या? हेलो, ये क्या चीज का माइक ले रहा है? आप एक बार चेक कीजिए तो। माइक तो क्या आवाज ले रहा था, कैसा आवाज आया पता नहीं, देखिए चेक कीजिए एक बार, खराब क्वालिटी आया होगा। हाँ 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 ठीक है, नहीं आप उसी कनेक्ट कर लो ना, उसी को रहने दो, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। आप इसमें बना लेना। तो क्वालिटी तो एकदम खराब आ रही होगी। अब यहाँ से आवाज, अब ठीक है, अब सुन के देखिए कितना कैसा आवाज है, पता नहीं माइक से जा रही होगी सर, तब तो एकदम ही नहीं आ रहा होगा क्लियर आवाज, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए कोई नहीं, अब शुरू करते हैं फटाफट से जीके का डिस्कशन, जीके का, जीके का, जीके का। हाँ जी भाई, देखो फटाफट जीके का। सबसे पहला, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे आसान तो है बट कहाँ गया मेरा वो, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड दे दो भैया, एक सेकंड दे दो। चलो शुरू करते हैं, ये देखो चीट कोड, पूरा आंसर लिख के लाया हूं मैं, ठीक है। देखो सबसे पहले 67 का वन है, 67 का होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। चूज कौन करते हैं? लोकसभा के मेंबर चूज करते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड है, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता हुगली रिवर पे आ जाता है, हुगली रिवर के बैंक्स पे है, ठीक है। अगला 78 पूछ रहे हैं, दिस पैलेस लोकेटेड इन ग्वालियर वॉज बिल्ट बाई द महाराजा ऑफ ग्वालियर जयाजी राव सिंधिया, इट हैज इटालियन एंड टस्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इज नॉट अ म्यूजियम। ये लास्ट वाली लाइन की इंपॉर्टेंस तो कोई खास है नहीं, आपको बस इतना ध्यान देना है कि महाराजा ऑफ ग्वालियर ने, यानी कि ये मिस्टर जयाजी राव सिंधिया ने कौन सा वाला महल बनवाया था, हवा महल बनवाया था, या फिर ये उम्मेद भवन बनाया था, या फिर लेक पैलेस बनाया था, या फिर जय विलास पैलेस बनाया था। इसका करेक्ट आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर 4। शुरू के जो दो क्वेश्चन है ये दोनों इजी थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ था क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा वेरी में आ जाता है ना, इसके आंसर बहुत सारे होते हैं, आप कितना मेमोराइज करोगे। तो सबसे पहला इजी पीजी, ये हार्ड था। आगे बढ़ते हैं, इन रामायण वेयर डिड लॉर्ड श्री राम मैरी सीता, ये इजी होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको रामायण तो पता ही होगी, जनकपुर में, कहां पर? जनकपुर में सीता माता का वो है माइके, मतलब सीता माता कहां की थी? जनकपुर की थी, तो वहीं पर राम जी गए थे, वहां पर आपने कहानी सुनी होगी, शिव भगवान का धनुष ऐसे चढ़ा रहे थे, धनुष टूट गया था, फिर परशुराम आ गए थे, क्रोधित हो गए थे कि धनुष कैसे तोड़ दिया राम ने, कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पा रहा था, पर श्री राम ने उठा के तोड़ भी दिया, ठीक है। तो कहां पर हुआ था ये कांड? जनकपुर में हुआ था।
इसीलिए जानकी नाम है उनका, सीता माता का। अगला देखो सवाल नंबर 80, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में स्वीट पोटैटो इज द आंसर, करेक्ट आंसर। स्वीट पोटैटो एक ऐसा फूड है जिसके ऐसा एक वेजिटेबल है जिसके रूट्स में उसका फूड स्टोर होता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट सवाल 81 क्या बोल रहे हैं। डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट, सबसे ज्यादा तेज हील कौन सा बॉडी पार्ट करता है? क्या स्किन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है, लीवर करता है या फिर टंग करता है? टंग इज द करेक्ट आंसर। वन, आपकी जीभ कभी भी जल जाए या कट जाए आपके दांतों से, आप देखना रिकवरी सबसे फास्ट होती है। इसका बायोलॉजिकल रीजन ये है कि अगर मुंह जल्दी से रिकवर नहीं करेगा तो आप खाना नहीं खा पाओगे, खाना नहीं खाओगे तो बॉडी में एनर्जी कहां से आएगी? बिना एनर्जी के हीलिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बॉडी का फोकस रहता है कि सबसे पहले माउथ को, यानी कि टंग और माउथ को सबसे पहले हील करे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वन, ऑप्शन नंबर वन। सवाल नंबर 82 पे आते हैं, फटाफट मैच करते रहना, ठीक है, मैच करते रहना अपने आंसर्स और बताना। अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, किस रिवर में अयोध्या लोकेटेड है? सरयू इज द करेक्ट आंसर, 82 का 2 है सरयू, सरयू बैंक्स पे अयोध्या है। अयोध्या आपका यूपी उत्तर प्रदेश के स्टेट में है। आगे देखो ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा मैंने सवाल की मार्किंग तो देना ही भूल गया मैं। ये सवाल मीडियम था, क्वेश्चन नंबर 80 मीडियम था, 81 जो था वो इजी पीजी था, फेमस सवाल है, 82 भी मीडियम सवाल था। उसके बाद सवाल नंबर 83 पे आते हैं, 83 क्या बोल रहे हैं। संजना फाउंड दैट एज सीड जर्मिनेट्स, सीड मतलब बीज, बीज से जब वो पौधा निकलता है, एंड सीडलिंग टर्न्स इनटू यंग प्लांट, तो जो सीड है वो जब उसमें से प्लांट निकलता है और प्लांट बन जाता है, द साइज ऑफ द सीड लीव्स ग्रेजुअली बिकम्स स्मॉलर। तो सीड लीव्स जो होती है, पत्तियां जो होती है बीज की, उसके जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है, इसका रीजन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। द सीड लीव्स आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द सीड कोट, तो वापस से जो सीड लीव्स है वो वापस से सीड कोट के अंदर घुस जाती है, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए उसका साइज छोटा होता जाता है जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इसको हार्ड मान सकते हैं ये सवाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 84 सवाल नंबर 84 बहुत इजी पीजी सवाल था ये, इजी पीजी। कैमल इज द करेक्ट आंसर। क्या भैया क्या पूछा? एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डेजर्ट, डेजर्ट में रेगिस्तान में कौन सा ऐसा एनिमल है जो पानी बहुत कम पी के जी सकता है? तो कैमल है करेक्ट आंसर। कैमल 21 दिन का पानी, 21 डेज का पानी एक साथ पी लेता है, फिर 21 डेज उसको पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इजी पीजी सवाल था। सवाल नंबर 85, ये सवाल आप लोगों के लिए ये थोड़ा टफ है, इसको बोल सकते हो हार्ड बोल सकते हो। द ओनली स्पीसीज वेयर द मेल्स, मेल्स मतलब कि मर्द, बेयर द यंग, और इकलौता स्पीसीज है जहां पर औरत यानी कि फीमेल जो है वो बच्चा नहीं देती है। कौन बच्चा देता है? मेल देता है, समझ रहे हो? जैसे आदमी किसी दिन प्रेग्नेंट हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि अरे भाई ये तो उल्टा सीधा हो गया काम, है ना? तो वैसे ही मेल्स में आप देखोगे, किसी भी स्पीसीज में, शेर, कुत्ते, बिल्ली, हर जगह आप देखोगे तो फीमेल जो होती है वही बच्चा पैदा करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर इन चारों में से एक ऑप्शन है जो मेल्स, मेल्स जो बच्चे पैदा करते हैं, उसका आंसर है सी हॉर्स इज द करेक्ट आंसर। सी हॉर्स और इन्हीं के प्रजाति वाले एक होते हैं सी ड्रैगन्स, ड्रैगन नहीं होते, नाम बस रखा है सी ड्रैगन। तो ये समुद्र के क्रिएचर हैं, ये इकलौते ऐसे क्रिएचर हैं जहां पर जो मर्द है, जो मेल है वो बच्चा देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 86 पे आते हैं, सिंगलिश छम, सिंगलिश छम जो है ये डांस जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर है सिक्किम से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें शेर का सिंग, देखो यहां पर क्या लिखा है, सिंगलिश, सिंग सिंग सिंह, शेर, याद आ रहा है? मतलब शब्द देखो, शेर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सिंह, और सिंह से, सिंह से बना है सिंगलिश। तो सिंगलिश छम डांस में क्या करते हैं सिक्किम वाले लोग, वो लोग पूरा शेर का ऐसे पहन लेते हैं कपड़ा, और शेर मतलब स्नो लिपला, स्नो लॉयन का मतलब सफेद कलर का शेर का पहन लेते हैं और फिर डांस करते हैं उसको पहन के, जैसे कि आपने चाइना में देखा होगा ड्रैगन का कवर पहन के ड्रैगन जैसा डांस करते हैं, वैसे ये लोग शेर का करते हैं। तो दिस इज द डांस रिलेटेड टू सिक्किम। सवाल ये भी मीडियम सवाल था, मीडियम सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, 87 सवाल नंबर 87, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल, बहुत इजी पीजी सवाल था, इजी पीजी सवाल, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपके गाड़ी में दिखता है, आपको कार में भी दिखेगा और आपके गाड़ियों में जैसे कि स्कूटी वगैरह किसी में भी आप देखोगे स्पीडोमीटर दिख जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 88 पे आते हैं, 88 पे सवाल नंबर, अ स्पोर्ट वेयर पीपल यूज अ बोर्ड विथ स्मॉल व्हील्स, एक ऐसा खेल जिसमें एक बोर्ड रहता है और बोर्ड में स्मॉल व्हील्स लगे रहते हैं,
तो ये कौन सा है? स्केटबोर्डिंग इज द करेक्ट आंसर, स्केटबोर्डिंग। कई बच्चों ने स्केटिंग किया है, जैसे ये जो स्टूडेंट है जिसने मेरे को भेजा है पीडीएफ, उसने भी स्केटिंग किया है। स्केटिंग जो है वो अलग है और स्केटबोर्डिंग अलग है। स्केटबोर्डिंग में बोर्ड रहता है और उस बोर्ड के नीचे चक्के लगे रहते हैं और आप उस बोर्ड पे ऐसे पैर रख रख के स्लाइड कर करके मूव करते हो। स्केटिंग में क्या करते हो? स्केटिंग में दो शूज रहते हैं, दोनों शूज में चक्के लगे रहते हैं और फिर उसको पहनते हो, फिर ऐसे 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 कर करके आप उसको खेलते हो। समझ आ रहा है? तो स्केटिंग डिफरेंट है और स्केटबोर्डिंग डिफरेंट है। दोनों में चक्के लगे रहते हैं लेकिन इसमें शूज में चक्के लगे रहते हैं और इसमें एक बोर्ड रहता है और उस बोर्ड के नीचे चक्के लगे रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूं क्या मैं? ये भी सवाल मेरे हिसाब से तो इजी पीजी था यार, ये तो आना चाहिए था आपको। इजी पीजी क्या हो गया, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? चलो सवाल नंबर 89 देखा जाए क्या बोल रहा है। दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज लोटस डेकोरेशन। तो देखो लोटस डेकोरेशन देख के तो आपको डर लगेगा लेकिन क्या चीज आसान हो गया बाद में? क्या लिखा है? इज इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये वर्ड को ध्यान रखो, सबसे फर्स्ट होता है भारत रत्न, तो भारत रत्न आंसर नहीं है क्योंकि भारत रत्न रैंक वन है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है, सबसे टॉप लेवल का। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, सेकेंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तो वही करेक्ट आंसर है। पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण। सबसे पहले भारत रत्न, सेकेंड नंबर पे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फोर्थ नंबर पे पद्मश्री। ठीक है, तो ये सवाल मीडियम सा सवाल, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 90 पे आते हैं। डैश इज द फर्स्ट पर्सन टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007। इसका करेक्ट आंसर है वन, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। हार्ड सवाल था ये। विश्वनाथन आनंद जो है वो बहुत बड़े चेस के प्लेयर हैं। कई साल तक इनका रिकॉर्ड रहा, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट चेस प्लेयर बन के रहे, किसी कोई इनको हरा नहीं पा रहा था, इस लेवल के इंसान थे। इनको दिया गया था पद्म विभूषण अवार्ड। तो देखो सवाल नंबर 90 और सवाल नंबर 89 दोनों के दोनों सवाल किस पे आए हैं? पद्म विभूषण पे आए हैं। ठीक है, इसमें भी आंसर क्या था? पद्म विभूषण। और इसमें भी पूछा है कि पद्म विभूषण 2007 में किसको दिया गया था, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 91 पे। 10 क्वेश्चन और हैं जीके के, फटाफट से कर लेते हैं। जीके के मार्क्स फटाफट काउंट करके बता देना मेरे को। चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ लाइन इज नोन एज। एक लाइन में जब माउंटेन्स कंटिन्यूअली अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल 92। सवाल नंबर 92 बहुत आसान सवाल है। अच्छा, ये ऊपर वाला सवाल इसको हार्ड मान सकते हो? हार्ड तो नहीं मानना चाहिए, चलो ठीक है हार्ड मान सकते हो। इसमें क्या है? वॉटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वॉटर को, क्यों? बिकॉज। इजी सवाल है। क्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत यूज होता है उसका, या इसलिए बोलते हैं कि इट कैन रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डस्ट? नहीं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इट कैन डिसॉल्व मेनी सब्सटेंस, बहुत सारे चीजों को अलग अलग, शक्कर डालो, नमक डालो, चीनी डालो, कुछ भी डालो, सब चीज को डिसॉल्व कर लेता है। कौन? पानी। इसलिए पानी को अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वर्ड का मतलब होता है जो घुलाए। जैसे पानी में आप शक्कर मिलाओगे तो शक्कर घुल गया, घुलाया कौन? पानी घुलाया। तो जिसमें मिला और जो मिला डिफरेंस है। जिसमें मिला, पानी में मिला तो पानी सॉल्वेंट, जिसमें शक्कर मिला तो शक्कर सॉल्यूट। जो मिला वो सॉल्यूट, जिसमें मिला वो सॉल्वेंट। पानी में शक्कर मिला तो पानी सॉल्वेंट, शक्कर सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट होता है वाटर ज्यादातर केसेस में, और इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादातर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करा लेता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 93 पे। 93, विच एनिमल वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैस्कोट ऑफ दिल्ली एशियन गेम्स 1982। बहुत फेमस सवाल है, आप लोगों के लिए हार्ड था बट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एलिफेंट। एक हाथी को लाया गया था, उसका नाम था अप्पू। हाथी का नाम क्या था? अप्पू। ठीक है, बहुत फेमस हुआ था पूरे वर्ल्ड वाइड में वो कैरेक्टर अप्पू का, जो पिक्चर था हाथी का, इट वॉज लाइक वेरी क्यूट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? एलिफेंट को अपॉइंट किया गया था दिल्ली एसोसिएशन एशियन गेम्स 1982 में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 94। सवाल नंबर 94 भी आप लोगों के लिए टफ था, इसको भी हार्ड में मान सकते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स यूजेस रिकेट्स, कॉजेस रिकेट्स। तो रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से, सॉरी एक सेकेंड। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस रिकेट्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12। करेक्ट आंसर है इसका विटामिन डी। यस, करेक्ट आंसर है विटामिन डी। तो जो लोग धूप नहीं सेकते हैं ना, उनको बता देना कि भैया रिकेट्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, और विटामिन डी के साथ साथ आपको अगर इसमें कैल्शियम की कमी हो गई तब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होने पे क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
95 सवाल पे देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत फेमस सवाल है, इसको मीडियम में मारूंगा मैं, इसको हार्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत फेमस है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के आजाद होने के बाद गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो वो था करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने ही हमको इंडिपेंडेंस दिया था और आजाद करके वो गए थे, ठीक है। तो माउंटबेटन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, एंड ही केम, वो ऑफिशियली हमको उन्होंने सिग्नेचर मार के दिया कि ठीक है, अब से भारत जो है वो ब्रिटेन का गुलाम नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 96 सवाल पे। मेरा फेवरेट सवाल आ गया क्योंकि भैया साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है और बहुत फेमस सवाल है। देखो, आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं वो। हु वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसको शॉर्ट में बोलते हैं TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके डायरेक्टर कौन थे, इसको फाउंड किसने किया था, फाउंडिंग डायरेक्टर कौन थे? तो इसका ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, रामानुजन, विक्रम साराभाई या फिर आर्यभट्ट। देखो ये दोनों तो है ही नहीं, आर्यभट्ट तो भैया 1500 साल पहले आए थे तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये TIFR तो अभी रिसेंटली आया है, न्यूक्लियर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही नया है, 100 साल पुराना है, ठीक है। तो ये तो आए थे 1500 ईयर्स अगो। रामानुजन करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रामानुजन मैथमेटिशियंस थे, फिजिक्स वाले नहीं थे, फिजिशियंस नहीं थे। इन दोनों में से एक आंसर आएगा। तो विक्रम साराभाई जो थे वो इसरो के चेयरमैन थे, क्या थे? इसरो के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन। तो करेक्ट आंसर क्या है? होमी जहांगीर भाभा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। होमी जहांगीर भाभा जो थे, ही वॉज द मैन हु फाउंडेड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अभी भी टॉप लेवल का ये इंस्टीट्यूट है, बहुत लोग यहाँ पर एज अ साइंटिस्ट जॉब करना चाहते हैं। किन्होंने फाउंड किया था? होमी जहांगीर भाभा ने। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 97। बहुत इजी पीजी सवाल है। When was Bangladesh formed? 1971 में। इसकी कहानी बता चुका हूं, 1971 में किस तरीके से पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया और इंडिया ने फिर पाकिस्तान पर अटैक किया। बांग्लादेश का जो एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रुएल्टी से जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जो आर्मी के लोग थे, पाकिस्तान की आर्मी, वो लोग बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे थे बांग्लादेश के लोगों को और उनको बहुत ज्यादा मार रहे थे और बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। तो उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने हमारे जो फील्ड मार्शल थे सैम मनेक्शो जो कि पारसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ज़ोरोस्ट्रियन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो सैम मनेक्शो को उन्होंने बोला कि यार अब तो ठोकना पड़ेगा पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को बचाना पड़ेगा। तो फाइनली हमने युद्ध 1971 में लड़ा। 1971 में जब हम लड़ रहे थे तो पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन कौन आ गया? अमेरिका और इंग्लैंड आ गए, यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों आ गए इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने, अपना न्यूक्लियर बॉम्ब भेज दिया, न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिया। अमेरिका बोला कि भैया इंडिया वापस कर ले अपने सोल्जर्स को और अदरवाइज हम लोग अटैक कर देंगे। तो उस टाइम पे हमको बचाने कौन आया था? रशिया बचाने आया था। इसलिए हमारी और रशिया की अच्छी दोस्ती है। रशिया सामने खड़ा हो गया और अमेरिका को बोला कि तेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरे पास भी है। उस टाइम पे इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, ठीक है। तो रशिया आया, रशिया ने हमको बचाया और फिर हमने लड़ाई करते रहे हम, और हमने पाकिस्तान को धोया और बांग्लादेश को आजाद करा 1971 में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 98 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंड इन, यूनाइटेड नेशंस कब फाउंड हुआ था? भैया मेंटी कराया था, मेंटी क्विज कराया था ना कल परसों ही, उसी में सवाल था, याद करो परसों क्या सेम सवाल आया था। 1945 इज द करेक्ट आंसर। पूरी कहानी बताई थी भैया, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशंस बना था, लीग ऑफ नेशंस का टारगेट था वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, वर्ल्ड वॉर 2 लेकिन हो गया तो लीग ऑफ नेशन को तोड़ दिया गया, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और उसी ईयर में आई थिंक अक्टूबर में, मेरे को जहां तक डेट आ रहा है 24 अक्टूबर शायद, हाँ आई एम नॉट श्योर बट 24 अक्टूबर मेरे दिमाग में आ रहा है, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। आई थिंक 51 के आसपास कंट्रीज थे स्टार्टिंग में जो यूनाइटेड नेशंस के पार्ट थे। अभी यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया इटसेल्फ, और हर बड़ी देश यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। आगे बढ़ते सवाल नंबर, ये इजी सवाल था, इजी पीजी था। 99 सवाल नंबर 99, ये देखो इसको मैं बोलूंगा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मीडियम। ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों मैं बताता हूं, इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो डिजीज है वो ब्रेन से रिलेटेड है। अब आप देखोगे तो जॉन्डिस और डायबिटीज तो क्लियर है कि भैया जॉन्डिस हो नहीं सकता क्योंकि जॉन्डिस लिवर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? लिवर से। और डायबिटीज भी नहीं हो सकता क्योंकि पैंक्रियास से रिलेटेड है। लिवर भी एक हमारा बॉडी का पार्ट है, पैंक्रियास भी बॉडी का पार्ट है, इनसे रिलेटेड नहीं है। ब्रेन भी हमारा है ना, ब्रेन भी हमारे बॉडी का पार्ट है, मतलब हमारा मतलब लड़कों के, लड़कियों का तो शायद
होता नहीं है, पता नहीं कहां पर होता है, बट हाँ, तो जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है उसका जो बीमारी है वो क्या माइग्रेन है या मेनिनजाइटिस है? देखो माइग्रेन जो है वो भी करेक्ट आंसर कई लोग मार सकते हैं, क्योंकि सिर में जो हेडेक होता है, जो दर्द होता है, उसको हम माइग्रेन बोलते हैं, बट मेरे को लगता है ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रॉपरली ये जो बीमारी है मेनिनजाइटिस, इसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन इन्फ्लेम हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है, पस भर जाता है आपके ब्रेन में, ठीक है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत ज्यादा बीमारी हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेन, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर टू भी अपने मारा है, तो इसको भी लगभग लगभग डाउट में रखो, क्योंकि दोनों ही ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है जीके का। काउ डंग कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, मैन्योर का मतलब होता है खाद, खाद को यूज करके हम लोग खेती करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, तो पूछ रहा है कि काउ डंग जो है इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर एज इट इज रिच इन, तो काउ डंग को मतलब गोबर को ही क्यों हम लोग यूज करते हैं खेती करने के लिए, उसमें ऐसा क्या चीज है जो हमको मिलता है, तो क्या उससे सुगर मिलता है? नहीं। मरकरी? नहीं। कैल्शियम? नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी क्या बोलेंगे, अनाज उगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्टिलिटी के लिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमको कहां से मिलता है? गाय के गोबर से मिलता है, इसलिए हम उसको एज अ मैन्योर यूज करते हैं। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सारे आंसर्स, एक बार मैं मैच कर देता हूं, तब तक सौरभ सर को इशारा भी कर देता हूं कि भैया हो गई है, और अपन काउंट भी कर लेंगे कि कितने हार्ड क्वेश्चन आए थे। सौरभ सर कहां है? सौरभ सर हो गया क्या आपका? दो मिनट ना, चलो तो एक बार फटाफट अपन गिन लेते हैं, जल्दी जल्दी गिनेंगे। देखो ये सबसे पहला इसका क्या है, ऑप्शन नंबर वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, इजी क्वेश्चन। सेकंड था कोलकाता लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ हुगली, 78 है, हार्ड क्वेश्चन था एक, इसका आंसर था जय विलास पैलेस। 79 रामायण वाला कि भैया राम जी सीता माता को कहां पर शादी किए थे? जनकपुर में किए थे। उसके बाद 80 चूज द करेक्ट ऑप्शन, फूड इज स्टोर्ड इन द स्वीट पोटेटो, मीडियम क्वेश्चन था ये। उसके बाद फिर फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट कौन सा है? टंग होता है। उसके बाद अयोध्या कौन से रिवर से जुड़ा हुआ है? सरयू रिवर के पास में है अयोध्या। उसके बाद आप देखोगे तो ये सीड से रिलेटेड था सवाल, जिसका आंसर था द सीड लीव्स आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द सीड कोट, तो ये टफ क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। देखो इस बच्चे ने गोला भी बना रखा है, स्टूडेंट ने। उसके बाद 84 सवाल नंबर 84 आसान था, जिसका आंसर था कैमल, कैमल वॉज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद द ओनली स्पीसीज वेयर द मेल्स बेयर द यंग, यानी कि इकलौता स्पीसीज जहां पर मेल्स बच्चे पैदा करते हैं, फीमेल्स नहीं, उसका करेक्ट आंसर है सी हॉर्स, हार्ड क्वेश्चन था। सिंगलिस छम जो है वो सिक्किम का डांस है, जहां पर शेर का कवर पहन लेते हैं और फिर डांस करते हैं, तो मीडियम सवाल था ये। 87 स्पीडोमीटर, यस स्पीड, व्हीकल की स्पीड किससे अपन चेक करते हैं? स्पीडोमीटर से करते हैं। उसके बाद आप देखोगे आगे तो स्पोर्ट्स वेयर पीपल यूज स्केट अबोर्ड विथ स्मॉल व्हील्स, स्केट बोर्डिंग बोलते हैं, कई बच्चों ने स्केटिंग किया, स्केटिंग गलत है, स्केटिंग में आपके शूज होते हैं, आपके शूज के नीचे चक्कर रहता है, यहाँ पर शूज वर्ड यूज नहीं किया है, यहाँ पर बोर्ड बोला है, तो एक जो बोर्ड रहता है वुड का, लकड़ी का या प्लास्टिक का बना रहता है, उसके नीचे चक्के रहते हैं, वो वाले को बोलते हैं स्केटिंग बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग। उसके बाद आप देखोगे तो बोला है कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण है। फर्स्ट नंबर पे भारत रत्न है, सेकेंड नंबर पे पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण और फोर्थ नंबर पे पद्मश्री होता है, ठीक है। ये मेरे को मेरे मामा ने याद करवाया था, मेरे मामा माउंटेन मैन है, राहुल गुप्ता नाम है, आप लोगों को आप गूगल करोगे आपको उनका नाम मिल जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ से, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, एंड उन्होंने मेरे को ये याद करवाया था, रटवाया था, मैं कॉलेज टाइम पे था, उन्होंने बोला था याद कर लेना, मेरा नाम घर का नाम मोंटू है, तो उन्होंने बोला मोंटू याद कर लेना, भारत रत्न सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और उसके बाद फाइनली क्या, उसके बाद फाइनली पद्मश्री। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 90 पे, कौन से ऐसे स्पोर्ट्समैन थे जिनको सबसे पहली बार पद्म विभूषण मिला 2007 में? आप एक चीज याद रखना कि 2007 से पहले पद्म विभूषण जो था वहां तक स्पोर्ट्समैन नहीं पहुंच पाते थे, उनको फोर्थ नंबर का पद्मश्री मिल जाता था, कई लोगों को थर्ड नंबर पे पद्म भूषण मिल जाता था, लेकिन पद्म विभूषण तक कोई नहीं पहुंचा था। तो सबसे पहले कौन पहुंचे थे? विश्वनाथन आनंद, ये बहुत बड़े चेस के प्लेयर हैं, चेस। बाकी ये तो देखो सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर, आप इनके नाम सुने ही होंगे, ये सारे के सारे क्या थे, ये ऑल दीज पीपल वर क्रिकेट प्लेयर्स, CHESS, चेस। चलो उसके बाद सवाल नंबर 91 का आंसर है रेंज, कि भैया माउंटेन अरेंज इन अ लाइन इज नोन एज रेंज। उसके बाद इजी पीजी क्वेश्चन, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर में।
उसके बाद फिर क्या था, सवाल नंबर 93 थोड़ा टफ सवाल था कि दिल्ली एशियन गेम्स 1982 में किस एनिमल को लिया गया था, तो एलिफेंट को लिया गया था। एलिफेंट का नाम क्या था, अप्पू, है ना, अप्पू द एलिफेंट। ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, इंडिया में भी फेमस था और आप अमेरिका वगैरह जाओगे तो आज भी अप्पू के नाम लेते हैं। सौरभ सर आ चुके हैं, मेरे को बस दो मिनट दीजिए सर, इसको एक बार रिवाइज करा रहा था। 94 ये भी टफ था, इसमें पूछा था कि रिकेट्स जो बीमारी होती है किसकी कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है और कैल्शियम की कमी से होती है, तो विटामिन डी ऑप्शन था, तो वो आपने टिक कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि हू वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। उसके बाद आप 96 देख लो, इसमें पूछा हुआ है कि भैया हु वाज द न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, कौन था फाउंडिंग मेंबर ऑफ, फाउंडिंग डायरेक्टर कौन था जिसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च शुरू किया था, होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में आपने सुना होगा कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अच्छा ये भी पारसी थे, ठीक है, अभी मैंने आपको सैम मनेक्शो का बताया ना नीचे बांग्लादेश में जो हमारा युद्ध हुआ था, तो उसमें लाइट चली गई है, ठीक है, होपफुली बीच में ना गायब हो। हाँ तो बांग्लादेश फॉर्म हुआ था 1971 में, उसमें भी सैम मनेक्शो थे हमारे जो फील्ड मार्शल थे, वो भी पारसी थे, और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी होमी जहांगीर भाभा भी पारसी हैं। इनका डेथ, इनका भी बहुत वियर्ड तरीके से डेथ हुआ था, प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनका ना प्लान करके इनको मारा गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे न्यूक्लियर फिजिक्स में, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत पहले इंडिया को दिलवा सकते थे अगर ये जिंदा होते तो, ठीक है, और अभी कुछ बात अलग होती, हमारी पावर और ज्यादा अच्छी होती जितनी अभी है उससे ज्यादा। उसके बाद आप देखोगे तो ये इजी पीजी सवाल था, 1971 में बांग्लादेश बना था, ईस्ट पाकिस्तान था, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, उसको हमने ब्रेक करा के आजाद करवाया। उसके बाद 98 में पूछा है कि भैया यूनाइटेड नेशंस कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 में बना था, डेट पूछा नहीं, ईयर पूछा है, 1945 इज द करेक्ट आंसर। दो सवाल और, इस सवाल में बोनस मिल सकता है क्योंकि माइग्रेन इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेन एंड मेनिंजाइटिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेन, दोनों ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन करेक्ट आंसर ज्यादा एक्यूरेट है ऑप्शन नंबर वन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 100, इसमें है कि भैया मैन्योर की तरह काउडंग को क्यों यूज करते हैं, बिकॉज काउडंग में होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट और नाइट्रोजन का यूज किया जाता है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की। तो यहां पर से हो चुका है, क्या हो गया, मैं क्या पंडित ऐसे मंत्र पढ़े पढ़ाऊं क्या सर, मेंटी होगा आज क्या, केबीसी का क्या? आपने रेट वेट बोला था ना 3 crores, मतलब हाँ क्या, ओ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन उससे क्या, चलो मैं गिन देता हूँ फटाफट से, हार्ड कितने आए थे, एक हार्ड, दो हार्ड सवाल आ चुके, ओ माई गॉड, ठीक है ठीक है, दो हार्ड सवाल, उसके बाद 3 hard सवाल, 85 हार्ड था, 4 hard सवाल, 5 hard सवाल, 6, 7, 8 hard सवाल आए थे इस बार जीके का, जीपे वॉज टफ, 5, 8, नॉर्मली प्रीवियस ईयर अपन करते थे सवाल, मैथ्स में भी मतलब जितने क्वेश्चन है ना सब इजी है, हाँ। एक दो में मतलब आईक्यू टेस्ट किया है, बाकी सब इजी, तो मैथ्स इजी था सौरभ सर के हिसाब से, जीके टफ आया था, इंटेलिजेंट टेस्ट अभी कराऊंगा मैं, अभी तक मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो तो इजी है, आगे देखते हैं, आईक्यू का भी शायद ऐसा नहीं होगा, सही है सर बोल रहे हैं, क्या बात है, अरे भैया क्या बात है, आपने अगर 18 तक ला दिया हार्ड क्वेश्चन होने के बाद जो जीके में, तो आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, 20 जिसने भी क्रॉस किया है, लव यू गौरव ने 20, अरे भैया अनीता देवी ने, गौरव है नाम उनका, अच्छा नाम उनका बुरा है, अच्छा दिल खुश हो गया, चलो भैया हाँ सर ये लीजिए, आप चलो मैथ्स करते हैं, हाउ इज द जोश एवरीवन, जल्दी से बता दो, हेलो कैडेट्स, हाउ इज द जोश, 23 बचे हैं, हाँ तो जल्दी करिएगा, जल्दी लगेंगे, एक या दो ही में टाइम लगेगा, बाकी तो बहुत इजी है सब, ठीक है चलो 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 जल्दी से आते हैं वापस से, है ना, तो 52 तक अपन ने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आगे के मैथ्स के क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करते हैं, है ना, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड अभी तो अपन ने पढ़ा था भैया इस चैप्टर में, अभी यहीं पे पढ़ा था, यस लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर, तो एक आर टू, अरे भैया और कोई ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन है, एक आर टू, टिक मारो और आगे बढ़ो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना, कोई माथा बच्ची नहीं करनी, बस सिंपल लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर, टिक किए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, 3 cubes हैं, ठीक है, जिनका एज है 4 centimeters, उन तीनों को जोड़ दिया, सर कैसे जोड़ा होगा, सर ऐसे ही तो जोड़ा होगा, है ना, ये देखो ये एक क्यूब था, ये ऐसे, इसके आगे ये एक और क्यूब जोड़ दिया, और इसके आगे एक और क्यूब जोड़ दिया, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे 3 cubes को एक के बाजू में रख दिया, आपको बोला है टोटल वॉल्यूम कितना, अरे भैया एक का जितना वॉल्यूम होगा इंटू थ्री, एक का वॉल्यूम कितना है 4 × 4 × 4 × 3, और आपका इसका आंसर आ जाएगा 4 × 4 × 4 × 3, 192 centimeters cubed, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, 4 4 जा
4 का क्यूब आपको मालूम है 64 इंटू 3 64 से ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन है। तो टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, आप पिक करो और आगे बढ़ जाओ। यस, सीधे आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूबॉइड इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। देखो अगर लेंथ और विड्थ ये दोनों होगा तो पेरीमीटर 40 नहीं हो सकता, इन दोनों ये वाले फेस का नहीं हो सकता, लेंथ और डेप्थ वाला, मतलब लेंथ और हाइट वाला बिल्कुल भी पेरीमीटर नहीं हो सकता। तो हो सकता है ब्रेथ और हाइट वाला हो या लेंथ और हाइट वाला हो। अगर लेंथ और हाइट का मिला के अगर पेरीमीटर 40 है, पेरीमीटर 40 है मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 - 13 दैट इज इक्वल टू हो जाएगी 20, आधा ना, 2l plus b 40 था तो l plus b 20, तो 20 - 13 is 7, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 × 13 × 8 जो आपका आंसर आ रहा है 728। एवरीवन इसका आंसर है नहीं 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 भैया 192 तो ऑप्शन ही नहीं। अच्छा आप पिछले वाले का दे रहे हैं, गौरव पिछले वाले का आंसर दे रहे हैं, है ना। यहां पर ध्यान से सुनो, 728। ओके क्या आपने पहले कैसे निकाला, लेंथ दी थी और हाइट दी थी, तो पहले विड्थ निकालना था। विड्थ कैसे निकाले, पेरीमीटर 40 दिया है और लेंथ कितना दिया हुआ है 13। अब आप बोलोगे सर 8 भी तो लेके निकाल सकते हैं। यस 8 लेके निकालोगे तो ऑप्शन बहुत बड़ा आएगा जो ऑप्शन दिया ही नहीं है यहां पर। तो आप क्या लेके निकालोगे 13, तो पेरीमीटर है 14, लेंथ है 13, तो ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया आपका 7, और वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। यस चलो आगे बढ़ते हैं। 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर 22, 23, 24, 25 4 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है ना, जो प्राइम ना हो, तो भैया यहां तो 23 प्राइम आ गया है ना, 60, 61, 62, 63, 61 भी आपका प्राइम आ गया है ना। और यहां पर देखो 61 प्राइम है ना, यस 56, 57 साथ प्राइम है आपका, 91 तो आपका प्राइम है, यस 57, 56, 57, 58 and 59, तो 57 है क्या, 2 से जा रहा है, नहीं 3 से जा रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 and 1, 3, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है, 57 आपका प्राइम नंबर है, नहीं है शायद 57 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 58 तो नहीं है, है ना, 59 भी नहीं है, 60 कंपोजिट नंबर, सारे के सारे कंपोजिट मतलब प्राइम नहीं होने चाहिए, है ना। तो लेट मी चेक इट फर्स्ट, जल्दी से चेक कर लेते हैं फोन का है। है ना, तो आपका कौन कौन सा नंबर बोला है यहां पर 97, सारे के सारे कंपोजिट मतलब एक भी प्राइम नहीं होने चाहिए, तो एक भी प्राइम नहीं होने चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपके प्राइम नंबर्स हैं, है ना, 50 की लाइन में 59 आपका प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है एवरीवन, 57 3 से जा रहा है, 12 3 से, 2 प्लस 1 3, हाँ 3 से जा रहा है, तो 57 3 से जा रहा है आपका, यस 59 नहीं जा रहा है, 59 प्राइम नंबर है ना। यहां पर 61 आपका प्राइम नंबर है और यहां पर आपका क्या प्राइम नंबर है, यहां पर 23 आपका प्राइम नंबर है, यस ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, यहां पर एक भी प्राइम नंबर नहीं है, 97 प्राइम नंबर है, 90 से 100 के लाइन में सिर्फ 97 प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर मतलब दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर हो दो, तो भैया यहां देखो इनके बीच का अंतर है दो, इनके बीच का तो सर अंतर ही नहीं है दो, काट दो, इनके बीच का अंतर ही नहीं है दो तो काट दो, आपको क्या बोला है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो टू, सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है टू लेकिन 99 प्राइम है, नहीं भैया साफ दिख रहा है थ्री से कट रहा है, नहीं 87 आपका प्राइम नहीं है भैया, ये थ्री से डिविजिबल है, 87 थ्री से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर ही नहीं है, यहां पर ये प्राइम नंबर ही नहीं है, ऑप्शन बचा आपके पास सिर्फ एक, 71 और 73, ठीक है ट्विन प्राइम, याद रखना गौरव खाली आंसर आ रहा है, व्हाट अबाउट अदर्स, कहां है सभी कोई, जल्दी से मैसेज करो, सभी कोई जल्दी से मैसेज करो, कहां है, कहां बिजी है सबके सब, हां कहां बिजी है सबके सब, जल्दी से मैसेज करो, यस ए ए ए ए ए। नाउ यहां पर देखो ये एक डंडी, ये दो डंडी और वो तीन डंडी, इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड अलग अलग है, अलग अलग मतलब स्केलन है ना, ना इक्विलेटरल ना इसोसेलेस, स्केलन, स्केलन एक ही ऑप्शन है टू खत्म, और राइट एंगल तो है ही एक 90 बना हुआ है, तो स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज द करेक्ट आंसर, यस महेंद्र अंशुमन विव्यान
चलो क्या बात है, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दो स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स बताना है। राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, यस इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। बिल्कुल ए भी ट्रू बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। ट्रायंगल में कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन होता है, जल्दी से मेरे को जल्दी से आंसर करो। यस लल्लू क्वेश्चन है, पारस कह रहे हैं बहुत लल्लू क्वेश्चन है। सर गौरव नहीं, रौनक, अच्छा रौनक, ओके रौनक रौनक रौनक, ओके रौनक जल्दी से मेरे को ये बताओ, तीन साइड वाला कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन होता है। लेट्स सी कौन आंसर दे पाता है, जल्दी से सबसे पहले कौन आंसर दे पाता है, तीन साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, जल्दी से। कोई कोई आंसर नहीं दे पा रहा क्या, अनिता, गौरव, विवान, पारस, महेश, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो तीन साइड का फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं, तो कौन सा ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन है, कौन सा ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल तो होता है लेकिन कौन सा ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन है ये बताना है। सुशांक, महेश, विवान, रौनक, महेंद्र, अरे ये मैंने आपको बताया है लाइव क्लास में बताया है। अरे भैया स्क्वायर तो फोर साइड हो गया क्वाड्रिलेटरल में, तीन साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी गुड अंशुमन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंशुमन। अनुज कह रहे हैं ए, ना 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 ना, इक्विलेटरल जिनके तीनों साइड्स भी इक्वल हो, तीनों एंगल भी इक्वल हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रेगुलर पॉलीगॉन ट्रायंगल में। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं, तो एकदम ट्रू। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और सारे आपके एंगल्स भी इक्वल हो। तो ए भी ट्रू, बी भी ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो वन इज द करेक्ट आंसर, इक्विलेटरल। क्या बात है, अब आंसर आ गया इक्विलेटरल। महेश कुमार का भी आ गया, अंशुमन का भी आ गया, क्या बात है क्या बात है। Now, 54 डिवाइडेड बाय, देखो कितने के आगे से डेसिमल हटा रहे हो, तीन, तो कितने नीचे आ जाएंगे, जीरो, तीन। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो 6000 इज द करेक्ट आंसर। इजी था, बहुत बहुत इजी था, यस और नो। आई लिव इन कानपुर, कानपुर में रहते हो, क्या बात है। अनुज, व्लॉग गेमिंग, अच्छा व्लॉग भी बनाते हो आप, गेमिंग भी, क्या बात है, गुड 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 गुड, वाह 71 वॉचिंग एंड 71 लाइक, एकदम बराबर, वाह। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 61 क्वेश्चन नंबर पे पहुंचते हैं। अ बैटमैन स्कोर्ड 190 रन, टोटल 190 रन बनाया, जिसमें से 10 बाउंड्रीज, यहां तो सब क्रिकेट फैन होंगे, बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, चार रन, कितना मतलब होता है, फोर, जब फोर ज्यादा होता है अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्री, है ना, तो चार, दस बाउंड्री, दस बाउंड्री मतलब आपके 40, ठीक है, एंड सिक्स सिक्सेस मतलब छह आपके छक्के गए, तो 6 6 36, टोटल कितने रन हो गए, 4 5 6 7 76 76 रन आपके हो गए, 10 बाउंड्रीज एंड 6 सिक्सेस, तो 76 रन, तो 190 में से 76 गया, तो 4 है ना, 114 रन उसने रन दौड़ के बनाए, है कि नहीं। आई लिव इन चेन्नई, सुजीत, सुजीत कह रहे हैं चेन्नई में रहते हैं, चलो गुड वेरी गुड। अभी अपन यहां पर AISSE का जो अभी पेपर हुआ, आज जो पेपर हुआ वो डिस्कस कर रहे हैं, 25 क्वेश्चंस से सर ने डिस्कस कर दिए जीके जीएस के, है ना, और मैंने भी अभी तक 35-40 क्वेश्चंस कर दिए, मतलब ऑन एन एवरेज 75 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, बस 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के बचे हैं एंड आईक्यू के, और आपके बचे हैं इंग्लिश के, बाकी पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं। आई लिव इन चेन्नई, क्या बात है। चलो Now, तो अगर किसी को पुराने कोई आंसर देखने हैं तो आप पीछे जा सकते हो, है ना, पीछे कभी भी जाके जो सा क्वेश्चन देखना है आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। 60% यस, तो 114, अब एक बात बताओ टोटल कितने रन बनाए, 190, जिसमें से 40 रन उसने चौके मार के बनाए, 36 रन उसने छक्के मार के बनाए, तो टोटल दौड़ के कितने बनाए, 114, कितने में से, 190 में से इंटू 100 सॉल्व करोगे आंसर आएगा 60%, ठीक है। आई लिव इन बिहार, है ना, गौरव खाली आंसर दे रहे हैं 60%, क्या बात है क्या बात है, गौरव बोल रहा हूँ, रौनक रौनक आंसर दे रहे हैं, आई लिव इन बिहार अनबॉक्सिंग, थैंक यू सो मच सुजीत कुमार, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, टोटल पेपर में से रिया ये एक एक्टिविटी के लिए पेपर काट रही थी, उसने ये कोने कोने काट दिए, तो रिया बताओ, अरे टोटल में से जो काटा उसको माइनस कर दो, सिंपल। टोटल कितना, टोटल भैया 24 × 20, तो 24 × 20 मतलब 480 में से माइनस कर दो, कितना, 4 4 16 16 16 16 मतलब 64 माइनस कर दो, तो 416 आंसर आ जाएगा, इजी।
मतलब पेरीमीटर निकालने की जरूरत ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करोगे कैडेट्स, इतना टाइम है क्या? ना 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 ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल आपने निकाला टोटल एरिया, टोटल 24 × 20 480 में से कितना हटा दिया, 16 16 16 16 16 × 4 64 हटा दिया, तो 416 आपका एरिया है। टिक मारो और आगे बढ़ो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस टिक मारो और आगे बढ़ो। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं फौजी बैच के, आपके एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 में भरे हुए थे, है ना। और आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर से कितना सिमिलर पैटर्न आया है, जिस जिस तरीके के क्वेश्चंस पिछले साल में, और मैंने और सर ने आपके पिछले साल के सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर 2017 18 19 20 21 22 सब यहां करा रखा था, और 23 यहां पर लाइव आपका चल रहा है, है ना। सर मेरा नाम श्रीचि है, महेंद्र नहीं, अच्छा श्रीचि है, चलो श्रीचि श्रीचि। अब यहां पर भी आपको क्या बोला है, अनसेडेड रीजन, क्या बोला है, अनसेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो एक काम करते हैं, टोटल में से सेडेड वाले को माइनस कर देते हैं, अनसेडेड आ जाएगा, हाँ कि ना। यस यस और नो कैडेट, जल्दी से बताओ, गौरव श्रीचि है ना, महेश सुजीत जितने भी लोग यहां पर हैं, हाउस द जोश कैडेट्स, और मेरे को जल्दी से एक बात ये बताओ कि आपको क्या बोला है, अनसेडेड का एरिया, तो टोटल में से शेडेड वाले को माइनस कर देता हूं, अनशेडेड आ जाएगा। टोटल कितना, 7.2 × 4 कितना आ रहा है, 7.2 × 4 आपका टोटल आ रहा है 28.8। अब इसमें से हटाना है भाई, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, उसमें से घटाना है अभी, है ना। इधर देखो, साफ सी बात है, 28.8 पूछ रहा था, अरे भाई 28.8 तो टोटल है, उसमें से ये हटाना भी तो है, हटाना कितना है, देखो ये वाला, देखो इसको तोड़ दूं, ये दिख रहा है सबको डायग्राम, ये सबको डायग्राम दिख रहा है एवरीवन। यस, हाई हाई, जोश हाई है, आयुष का जोश हाई है, श्रुति का जोश हाई है, एंड शिवांश का जोश हाई है, क्या बात है। चलो तो ये देखो, ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, 1.5 × 1, इसको तोड़ देता हूं तीन हिस्सों में, ये लो एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये और एक हिस्सा, ये है ना। तो देखो इसकी ये चौड़ाई कितनी है, 1.5 × 1, यहां का एरिया 1.5, यहां का एरिया 1.5, टोटल कितना हो गया 3 1.5 1.5 3। और इसका एरिया देखो, इसका एरिया, इसका ये कितना है, 0.5 × 2.5 2.5 × 0.5 5 5 7 5 carry 2 5 9 11 12, तो दो क्या गए 1.25, तो आ जाएगा 1.25 ऐड कर दोगे तो 4.25 माइनस करना है, 4.25 आप माइनस करोगे तो 28.8 में से 4.25 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 24.55, इज द करेक्ट आंसर। छोड़ क्या है, जिसका भी वीडियो है, हमारा भी हाई है सर, वीडियो कैसा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, जर्नलिस्टी प्रेप, अभी हमारे पास टाइम नहीं मिला था तो हम शेयर नहीं कर पाए, लेकिन आज कल में हम इसको शेयर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। हर्ष कह रहे हैं यस, और मैं बार बार गौरव बोल रहा हूं आपको, रौनक कह रहे हैं सी, चलो क्या बात है, हाई हाई, रौनक भी कह रहे हैं कि जोश एकदम हाई है, और हाई होना भी चाहिए भैया, आपने आज बहुत बड़ी मतलब यू नो उपलब्धि हासिल की रही है, आपने AISSC की एग्जाम अटेम्प्ट करी है, जिस लेवल की एग्जाम लोग डायरेक्ट जाके 12th के बाद करते हैं, आपने अभी अटेम्प्ट करी है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरे को तो तहे दिल से आप लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यार आप सब मतलब यू नो फाड़ू एकदम मैं बोलूंगा फाड़ू एकदम, है ना, इतना अच्छा दिए हो। द कैडेट आयुष रावत द कैडेट, है ना, हाई। चलो आगे बढ़ते हैं, बोरोड सम ऑफ प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हाउ मच इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूछा है, तो P × T × R/100, 5 × 3 = 15, 1500000/100, 20 कट गया तो 1500, भाई साहब कैलकुलेशन भी कितनी इजी है, देख रहे हो, P × T × R/100, 100 दो जीरो ने दो जीरो को मार दिया तो 100 × 15 = 1500। यस सर, एग्जाम दोस्त लोग का था, धक धक मेरा हो रहा था, क्या बात है, नहीं हो ही जाता है कई बार, है ना, बेस्ट फ्रेंड हो, उनके साथ घूम रहे हैं, है ना, चाय पीने जा रहे हैं, इधर उधर गेड़ियां मार रहे हैं गाड़ी में, तो थोड़ा हो जाता है ना, उनको देख देख के डर लगने लग जाता है। अंश द कैडेट कह रहे हैं बी, विमान कह रहे हैं बी, चलो गुड, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। रिजुल टुक दिस मच फ्रॉम अ पर्सन फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट पेड बाय रिजुल टू दैट पर्सन आफ्टर 3 years। तो आपको बोला है टोटल अमाउंट कितना, तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है, भूल मत जाना, है ना, भूल नहीं जाना रे, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करना है, ये भूल नहीं जाना रे। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना, P × T × R/100, दो जीरो ने दो जीरो को मार दिया, है ना,
8 3 24 24 into 5 is 120, तो 120 00, तो 12,000 ऐड करना है 50,000 में, तो 62,000 रिटर्न करेगा, है कि नहीं? यस यस, 62,000 इज द करेक्ट आंसर बी। क्या बात है, सबको ये आंसर दे रहे हैं, क्या बात है ना, मजा आ गया। तो हाउस द जोश, और हाई है आप लोगों का इनो, और वो वैसा ही हाई होना चाहिए, है ना। अगर अच्छा नहीं भी गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, तो कोई बात नहीं, मेरे नजर में आप सब जितने लोगों ने तैयारी करी है अच्छे से, और आप लोगों ने जो एग्जाम दी है इसको, तो मेरे लिए आप लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज्यादा फाड़ू हो, है ना। और मतलब मेरे लिए तो मतलब एकदम हेड्स ऑफ है आप सबके लिए, एकदम सच में दिल से सैल्यूट, ठीक है। चलो एक बार और सर से सीखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूं कैसे उन्होंने बताया था ना, जैसा भी बताया था, एक बार और सीखना पड़ेगा। चलो, नाउ फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टू थर्ड ऑफ राइट एंगल। टू थर्ड ऑफ राइट एंगल मतलब 2/3 × 90, 2/3 × 90, 180 का डिवाइड बाई 3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री का ओरली सॉल्व कर सकते हो, 60 डिग्री का आपको पहले क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 30, 90 - 60 = 30, 30 का सप्लीमेंट्री होगा 150, 30 नहीं, जिसका भी आंसर था आपने गलत कर दिया, 30 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 150 इज द करेक्ट आंसर, है ना। 120 कैसे, 50 सप्लीमेंट्री मतलब 180 माइनस, पहले आपको क्या बोला 2/3 of 90 बताना है ना, तो 3 3 = 9, 3 2 = 60 डिग्री। अब 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 30, और 30 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 150। बुला लो सर श्रेष्ठ सर को, है ना, क्यों भैया अभी तो टाइम बाकी है, अभी तो बाकी अपना 75 तक है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ना, सर बुला लो। बी, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो टोटल कितनी थी, 180 में से 47 माइनस कर दो, 56 माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी, 77 आपकी आंसर आ जाएगी, है ना। माइनस करना है, 180 माइनस 47 माइनस 56, 180 माइनस, ज्यादा ओरली नहीं करना चाहिए, है ना, एक बार कैलकुलेटर में, अरे यार 180 माइनस 47 माइनस 56, 77 इज द करेक्ट आंसर, यस सी, सीखने के लिए सर। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना, ये हो गया, इस पेज का हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए, यस सारे क्वेश्चन हो गए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन दिस नंबर, ये देखो ये नंबर जो आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें 6 का फेस वैल्यू कितना होगा, 6, और प्लेस वैल्यू कितना होगा, 6, और आगे कितने 0, 1 2 3 4, तो 6 6 36, 1 2 3 4 0, जो एक भी ऑप्शन में नहीं है, यहां पर एक भी ऑप्शन में नहीं है, 36 और 40, तो ये बोनस होगा भैया, बोनस होगा, है ना, ये जिसने भी गोला कर रखा है सही गोला कर रखा है। आपको क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द गिवन नंबर, तो ये गिवन नंबर जो आपका है इसमें एक ही 6 है, और ये 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आप ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा 36 0000, लेकिन ऑप्शन में गायब है आपका जो ऑप्शन है, एक्चुअल में इसका आंसर है वो ऑप्शन से गायब है। यहां देखो कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, वाह 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 वाह, है ना, यहां कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह, तो अगर करना ही है तो कम वाले को करके आना, है ना, फोर्थ वाले को। चलो चलो, और कोई 6 थोड़ी उसमें, नहीं 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 नहीं, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर यूजिंग 3 different digits। अरे ये तो अभी किए थे, याद है आपको बोला था ऐड करने, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिसके 3 different digits यूज हुए हैं, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 5 डिजिट का सबसे छोटा कितना होता है, 1 1 2 3 4, लेकिन 3 different digits यूज करने, 2 digit तो यूज हो गए, 1 और 0, तो एक और डिजिट यूज करना है, तो लास्ट वाले को बदलो, लास्ट वाले को बढ़ाएंगे ना, क्योंकि छोटा ही रखना है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, यहां पर अगर मैं इसको बढ़ा दूं उधर वाले को, 0 या 1 को, लास्ट वाले को उधर उधर साइड वाले, तो बहुत बढ़ जाएगा, तो मेरे को किसको बढ़ाना पड़ेगा, इधर वाला सबसे राइट साइड वाला, तो इसको मैं बढ़ा के कितना कर दूंगा, 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2, क्या बात है, जिसका भी आंसर था करेक्ट आंसर है आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, अभी इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। चलो सर, मेरा आपने अपना जान दे करके आ गया जस्ट अभी,
इसका सारा क्रेडिट चलो. थैंक यू सो मच योगेमर्स, थैंक यू सो मच, है ना. आगे बढ़ते हैं, चलो. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8 and 3 बोथ, देन वो और किससे पक्का डिवाइड होगा. तो 8 3 24, तो 24 के हर फैक्टर से डिवाइड होगा. अरे भैया, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से तो होगा ही होगा ना, है कि नहीं. 4 से डिवाइड हो रहा है तो अगर कोई नंबर 8 और 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 24 से डिवाइड होगा, है ना. 8 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब LCM, इन दोनों का LCM कितना है, 24, है कि नहीं. तो वो 24 के हर एक फैक्टर से डिविजिबल होगा. ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विथ LCM ऑफ 112 इज दिस. अच्छा, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया, LCM दिया, HCF बताना है. तो भैया आपको तो मालूम है HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन LCM. सिर्फ डिवाइड करना था छोटे, 4032 डिवाइड बाई 112, छोटे बस यही तो करना था रे छोटे. 36 आंसर आ गया. कितने बार बताया ये चीज मैंने आपको फौजी बैच में, कितने बार बताइए, डायरेक्टली ज्ञान फ्रॉम कृष्ण जी. प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वो किसके बराबर होता है, LCM इनटू HCF. तो LCM क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF, या HCF क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन LCM. को चूहा ले गया सर, ऑप्शन 36,360,000 को चूहा ले गया. हर चीज आप लोग चूहे को दे दो, है ना, हर चीज चूहा ले जाएगा, चूहा ले आएगा. चलो सर, ऑप्शन दिस को चूहा ले गया, डी. चलो रौनक कह रहे हैं डी, यस 36 इज द करेक्ट आंसर. द कॉस्ट ऑफ डजन ऑफ हेडफोन इज दिस. डजन, डजन मतलब 12, डजन का मतलब कितना होता है 12, तो 12 कितने, तो एक का कितना, 7 8 5 6 4 by 12 इंटू 5, 5 का पूछा है तो इंटू 5 कर दो, और ये आपका आंसर आ रहा है 32735. सिंपल सिंपल आंसर है. आपको क्या बोला, 12 हेडफोन्स इतने रुपए के हैं, 12 हेडफोन्स इतने रुपए के हैं, तो एक हेडफोन कितने का होगा, डिवाइड बाई 12, तो 5 कितने का होगा, इंटू 5. एक बात बताओ, पूरे अभी तक अपन ने मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए, जीके के हो गए, है ना, तो मैं मैथ्स का पूछना चाहता हूं आपको. मैथ्स में से पूरे 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ दो तो सब बहुत ज्यादा इजी है क्या, 2 या 2 क्वेश्चन को छोड़ दो, 2-3 क्वेश्चन को, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं क्या, जल्दी से मेरे को बताओ. एक तो बोनस वाला क्वेश्चन है आपका, है ना, एक बोनस वाला क्वेश्चन है, बाकी इजी है क्या, जल्दी से रिप्लाई करेंगे. यस, टोटल गेमिंग कह रहे हैं यस, व्हाट अबाउट अदर्स, है ना, यस यस यस, अंस कह रहे हैं यस. चलो 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 सर, अच्छा, और अगर कोई मेरी पूरी कहानी सुनना चाहता है ना, मेरी मेरी स्टोरी, तो मैंने कल आप लोगों को बताई है. कितने लोग थे लाइव क्लास में, उसमें खुशी कह रही है यस, अंशुमन द कैडेट कह रहे हैं यस. चलो, गौरव, गौरव बार बार बोल रहा हूँ, रौनक कह रहे हैं यस 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 यस, फाड़ दिया है ना एकदम. चलो मैं यस 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 यस, सुशांक, श्रुति, अंशुमन, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से. त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट्स जूस फॉर 40 क्लासमेट्स, और हर को वो कितना से कितना दी, 250 ml, 250 ml मतलब 250 by 1000 liter, है ना. मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, 25 1 by 4 liter वो हर ग्लास में डाल रही है, तो हर एक आदमी को दे रही है, तो 40 लोगों को कितना देगी, 10 liter, और 10 लीटर कितने पैकेट से आएगा, एक पैकेट में कितना है, 2.5 liter, ठीक है. ध्यान से सुनो, आपको क्या बोला, 40 क्लासमेट्स है जिसको वो फ्रूट जूस देना चाहती है, और हर जन को कितना दे रही है, 1 by 4 liter, कितना दे रही है, 1 by 4 liter, 250 ml, 250 by 1000, तो आ गया ये लीटर, हर एक जन को 1 by 4 liter दे रही है, तो 40 लोगों को मिला के कितना देगी, इंटू 40, 10 liter. अब उसको 10 लीटर चाहिए, हर एक में से कितना मिल रहा है, 2.5, तो टोटल कितने लगेंगे, 10 upon 2.5, दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 पैकेट लगेंगे, टेट्रा पैक लगेंगे उसको, 4 पैकेट मिला के उसके पास 10 लीटर हो जाएगा, एक में कितना मिल रहा है, 2.5, तो 4 पैकेट मिला के कितना हो जाएगा, 2.5, 4 पैकेट मिला के आपका हो जाएगा 10 लीटर, और 10 लीटर में वो सबको दे पाएगी, ठीक है. सुशांत गलत हो गया क्या आपका, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से. कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ, तो 15 5 15 1 15 3 17 1 17 2 3 2 6 by 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 by 6. रेसिप्रोकल में क्या करते हैं बच्चा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, यस. ये किसने गलत कर दिया, किसी ने गलत कर दिया, किसी ने रेसिप्रोकल किया सिर्फ इधर वाले का, ओहो
बिल्कुल गलत, नो सर गलत नहीं है। अच्छा गलत नहीं है तो क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो शुशांक, क्यों रो रहे हो? सर मैं लेके गया, सर मैं लेके गया मैं, हमको चूहा सिंह बोलते हैं। अच्छा आपको चूहा सिंह बोलते हैं, सॉरी सर आई एम लेट बट सर पेपर में अच्छा लगा। चलो क्या बात है, अच्छा लगा पेपर देने में हरमन द कैडेट, क्या बात है क्या बात है। चलो ना आगे, लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का अंतिम और लास्ट सवाल। पूरे 50 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिए, 50th क्वेश्चन में है, लास्ट सवाल में है। रो नहीं रहा, आग वाली इमोजी सेंड करी है। अच्छा आग वाली इमोजी, आग लगा दी ना, एकदम फाड़ दिया अपने पेपर को। चलो तो राधिका बॉट 8 1/4 केजी ऑफ फ्रूट, जिसमें से इतने केजी उसने यूज कर लिए पुडिंग के लिए एंड केप्ट द रेस्ट फॉर फ्रूट सलाद। तो आपको क्या बोला है, वॉट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेफ्ट फॉर फ्रूट सलाद, तो माइनस करना है। तो 8 1/2 - 2 5/6, तो 8 - 2 = 6 और वहां पर क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/4 - 5/6, 1/4 - 5/6 ये तो कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, माइनस आएगा, तो 5 से कम होना चाहिए, सॉरी 6 से कम होना चाहिए, 5 वाला ऑप्शन। तो ये दोनों तो काट दो, अब 5 में कितना बच रहा है तो देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, है ना। यहां दिख रहा है क्या, नहीं मैं सामने आ गया क्या, मैं इधर लिखता हूं, रुको एक सेकंड। मैथ्स का अंतिम सवाल है, श्रेष्ठ सर एकदम रेडी है, है ना, तो बस श्रेष्ठ सर 2 मिनट और, है ना। तो 24, तो 6 - 20 आपका हो जाएगा -14/24। अब 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो 24 - 14 = 10/24, तो 5 10/24, तो 5 10/24, तो क्या जाएगा 2 5 10 2 1 2 2 2 4 5/12, तो 5 5/12, 2 इज द करेक्ट आंसर। भैया ये 4 जिसने भी मार के आया है गलत है। सर ये किसका पेपर है, अच्छा चलो 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 ठीक है, नाम नहीं लेते अपन, किसी का नाम नहीं लेते, नहीं बट मैथ्स में इसने काफी क्वेश्चन सही टिक करे हैं, कुछ कुछ को छोड़ करके, यानी मैथ्स में काफी क्वेश्चंस उसके बहुत सही हैं, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस उसने गलत किए बट बाकी बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सही हैं। चलो तो हो गए मैथ्स के पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब बस थोड़ी देर में आपके 25 क्वेश्चन और आईक्यू के हो जाएंगे, फिर 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, फिर हम एक बार पूरा लाइन से आपको आंसर की जो है, ये जो आपका पीडीएफ है जिसमें सारे आंसर करेक्ट आंसर टिक है, ये व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, है ना। तो आप लोग जल्दी से जाकर के अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, जिसमें आपको तुरंत सारे टिक क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा 3-4 घंटे का वीडियो देखने का, तो आप फटाफट अपना आंसर की मैच कर सकते हो, है ना। और क्या नाम है, गौरव, गौरव नहीं रौनक, रौनक कह रहे हैं 50 out of 15 मैथ्स, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बधाई हो बधाई हो, है ना। और महेश कुमार सर फॉर अंकित राज, हाँ चलो चलो सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बड़े बच्चे वेट कर रहे होंगे ना इसलिए, हाँ दे दीजिए। और रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लो भाई, हैं इतने देर से 2 घंटे से क्लास चल रही है, एबीसी होगा कौन मिलेगा करोड़पति तो सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को, चैनल सब्सक्राइब जाना चाहिए, बेल नोटिफिकेशन दब जाना चाहिए भैया, मजा आ जाना चाहिए। सैनिक स्कूल का ये 2023 खत्म नहीं हुआ है, रिश्ता भी बना रहेगा, रिजल्ट आएगा उसके भी डिस्कशंस यहीं पर होंगे, मेडिकल का लिस्ट निकलेगा उसका भी डिस्कशन यहीं पर होगा। शुरू करता हूं इंटेलिजेंट टेस्ट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, 25 क्वेश्चंस हैं, जीके का फटाफट जैसे कराया था वैसे ही आप लोगों का इंटेलिजेंट टेस्ट का कराऊंगा। सौरभ सर तब तक आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर लीजिए। देखो भाई सबसे पहला सवाल, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, आपको क्या देखना है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आसान सवाल है, इजी पीजी, मार्किंग भी मैं दे देता हूं सारे की, इजी सवाल है। क्यों इजी है, क्योंकि बी का 4 गया है, बी का क्या बना 4, बी का पोजीशन क्या होता है, ए के बाद बी आता है सेकंड पोजीशन, और सेकंड पोजीशन का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 4 आ गया। वैसे जी का पोजीशन क्या होता है, जी का पोजीशन होता है ए बी सी डी ई एफ जी 7, तो 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करना है कितना आएगा 49 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी सवाल था, सवाल नंबर 102, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑरेंज अर्थ एग एंड बास्केटबॉल, इनमें से सबसे ऑड कौन सा एग है, एग इज द करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि इसके 2 आंसर हो सकते हैं, इसका अर्थ भी कई लोग दे सकते हैं, ठीक है। पहला लॉजिक बता देता हूं, एग क्यों हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑरेंज भी स्फेरिकल है, अर्थ भी स्फेरिकल है, बास्केटबॉल भी स्फेरिकल है, पर एग स्फेरिकल नहीं है शेप में। पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर ऑरेंज भी अर्थ में पाया जाता है, एग भी अर्थ में पाया जाता है, और बास्केटबॉल भी अर्थ में पाया जाता है, तो अर्थ तो अलग हो गया, तो उस हिसाब से कुछ बच्चे अर्थ भी दिए होंगे, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था।
अगला सवाल 103, फाइंड द ऑड वन आउट, बहुत आसान है। सबसे पहले ऑड वन आउट देखने के लिए क्या करना है, इवन है नंबर या ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है ये चेक करना है। तो देख लो भैया 97, 47, 81, 90 सारे के सारे ऑड ही हैं, तो ऑड में तो कुछ होगा नहीं। फिर परफेक्ट स्क्वायर चेक क्या करो, क्या 97 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, 47 नहीं, 81 हाँ, 19 नहीं, तो 81 इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 होता है। बाकी आप अगर बोलते कि प्राइम नंबर, कि सर 19 प्राइम नंबर है, तो भैया 47 भी प्राइम नंबर है, तो ऑड वन आउट तो निकलता नहीं, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इजी पीजी सवाल था, इजी। एक और ऑड वन आउट का सवाल आया है, बुक पेंसिल इरेजर कंप्यूटर, साफ साफ दिख रहा भैया ये टेक्नोलॉजी है, बाकी चीजें पढ़ने वाली चीजें हैं, इनको बोलते हैं अंग्रेजी भूल रहा हूं मैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है उसकी अंग्रेजी मेरे को थोड़ी नहीं याद आ रही है, मतलब पढ़ाई से लिखाई से रिलेटेड चीजें हैं, बुक है, पेंसिल है, इरेजर है, कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर, कंप्यूटर अलग है, ऑड वन आउट। तो इजी सवाल था ये भी, ये बता चुका ऑलरेडी मैं, फिर से बता दे रहा हूं, फाइंड द ऑड वन आउट। देखो सबसे पहले ऑप्शन में देखो, बाहर वाला जो है उसमें चार साइड्स हैं, फोर साइड्स, अंदर में कितने हैं, फाइव साइड्स, ये एक दो तीन चार, चार साइड्स हैं, अंदर में एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो बाहर फोर अंदर पांच, सेकंड वाले में बाहर, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, बाहर फोर अंदर पांच, उसके बाद इस वाले में बाहर पांच अंदर सिक्स, है ना, अंदर में कौन से हैं, हेक्सागोन है, बाहर में पेंटागोन है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है छह साइड्स बाहर, इसमें दिया है सिक्स साइड्स बाहर, अंदर में फाइव साइड्स हैं, अंदर में फाइव साइड्स हैं, इसमें क्या है ट्राइंगल बाहर, तो बाहर में थ्री साइड्स हैं और फिर अंदर में फोर साइड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो, चार के बाद पांच हुआ मतलब एक बढ़ा है, पांच के बाद छह एक बढ़ा है, इस वाले में तीन के बाद चार एक बढ़ा है, लेकिन इसमें थर्ड वाले में एक घटा है, बाहर सिक्स है अंदर फाइव है, तो बाकियों के कंपैरिजन में ये उल्टा सीधा हो गया है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द ऑड वन आउट, तो ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर है। इजी सवाल था ये भी, पांच सवाल अभी तक करा चुका हूं, सारी इजी आए हैं, मीडियम भी नहीं, इजी है सारे, है ना, फाइंड द ऑड वन आउट ये भी बहुत इजी है, कानपुर शहर है, विजयवाड़ा शहर है, गुवाहाटी शहर है, गंगा नदी है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर, इजी पीजी सवाल। उसके बाद चूज द ऑड वन आउट, गिटार, वायलिन, सितार या फिर फ्लूट, फ्लूट इज द करेक्ट आंसर, क्यों भैया, क्योंकि फ्लूट जो कृष्ण भगवान बजाते हैं बांसुरी, किससे बजाते हैं, हवा से, फूंक से, साउंड, है ना, बाकी तीनों में क्या हो रहा है, गिटार बजाया होगा ना, टिंग 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 टिंग, वायलिन टी नी 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 नी, सितार टिंग टन आ टी टी टी, सारे स्ट्रिंग से बजते हैं, किससे बजते हैं, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग लगी होती है, तीनों स्ट्रिंग से बजते हैं, ये साउंड ये जो है ये एयर से बजता है, इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑड वन आउट में। 108 का सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, आसान सवाल है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कैसे आसान है, देखो यहां पर डी जो है इसको लिख ही लेते हैं कहीं पर, डी जी ए, क्या दिया हुआ है, डी जी ए, डी का पोजीशन कौन सा होता है, फोर्थ पोजीशन, अल्फाबेट में फोर्थ पोजीशन है, तो डी का क्या है, फोर है, डी का क्या है, फोर, जी का पोजीशन होता है सेवन, जी का पोजीशन सेवन, ए का पोजीशन होता है फर्स्ट, तो वन, अब ऐड करके देखो, फोर प्लस सेवन इलेवन, इलेवन प्लस वन ट्वेल्व, कितना आगे ऐड करने पे, ट्वेल्व, तो क्या दिया हुआ है यहां पर, ट्वेल्व, यही दिया है ना, तो आपको क्या करना है, सबका पोजीशन निकालना है और फिर उसको ऐड कर देना है, तो कर लेते हैं भैया वही चीज, सबका पोजीशन निकाल के ऐड कर लेते हैं, देखो ए एम क्यू दिया है, ए एम क्यू, ए का पोजीशन होता है फर्स्ट पोजीशन अल्फाबेट में, ए वन पे होता है, एम का पोजीशन होता है एम का पोजीशन होता है थर्टीन, एम का पोजीशन होता है थर्टीन, और क्यू का पोजीशन होता है, क्यू का पोजीशन होता है फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, अब इनको ऐड करना है, वन प्लस थर्टीन फोर्टीन, वन को हटाओ अभी, वन को मत ऐड करो, थर्टीन प्लस सेवनटीन कितना होता है थर्टी, थर्टी प्लस वन थर्टी वन, तो थर्टी वन, कुछ गड़बड़ किया गया मैंने, अच्छा हाँ ये रहा 31, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समझ आ चुका होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मीडियम सवाल था। अगला फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर बताना है, देखो ये भी आसान सवाल है, पर इसको मैं मीडियम में डाल सकता हूं, मीडियम में डाल सकता हूं, टफ तो नहीं था। देखो फाइव का 22 दिया है, तो क्या किया इसने, फाइव का स्क्वायर कर दिया, फाइव का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 25 में से क्या कर दिया, 3 माइनस कर दिया, तो अपने को क्या करना है, प्रोसीजर करना है कि 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर में से माइनस 3, तो कितना आ गया 22, समझ आ गया, तो क्या करेंगे अपन, 8 का स्क्वायर करेंगे फिर उसमें से 3 घटा देंगे,
तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 64 में से 3 घटा देंगे 61 शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया भैया, आसान था। आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों की चैट्स नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे को सारे आंसर बताने हैं। आईक्यू में 50 ला सकते थे, आसान था। जीके में नहीं ला पाते, जीके टफ आया था। जीके में कितने सारे 7 या 8 सवाल टफ थे, मैं गिना था अभी ना। हाँ, तो जीके में अगर गंदा गया कोई दिक्कत की बात नहीं, पर इंटेलिजेंट टेस्ट वॉज वेरी इजी। अभी तक देखो 9 सवाल हो गए, सब में एक भी हार्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जो बने ना आपसे। अगला सवाल देखते हैं 110, ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या करना है आपको, आपको ये वाले और ये वाले फिगर्स को देखना है कि उसमें क्या जोड़ी, क्या पेयरिंग हो रही है, और फिर इसका पेयर क्या बनना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इट्स अ वेरी आसान, कैसे करोगे देखो, यहां पर सिंपल है, देखो सिंपल। ये कितना डिग्री घूम रहा है आपको पता चलना चाहिए बस। तो ये घूम रहा है, ध्यान से सुनो, इसको जूम करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखो यहां पर ये इसका डायरेक्शन ये था, अभी क्या हो गया, ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन ये था, अब क्या हो गया, ये हो गया, है ना। तो कितना डिग्री घूमा, पहले 45 डिग्री घूमा, कितना घूमा 45 डिग्री, उसके बाद कितना घूमा 90 डिग्री, तो टोटल कितना घूमा 135। टोटल मत करो, बस 45 प्लस 90 घूमना है। तो अपन क्या करेंगे, सी वाले को देखेंगे। सी वाला का डायरेक्शन किधर है, ऊपर साइड है, है ना। इसको क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री घुमा देते हैं। तो 90 डिग्री घूम के क्या बन जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब इस डायरेक्शन में। और 90 डिग्री से फिर 45 डिग्री, क्योंकि 90 और 45 घुमाना था, तो पहले 90 घुमा दिया, पहले 45 भी घुमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले 90 घुमा रहा ताकि इजी रहे, और फिर 45 डिग्री और घुमाना है। तो 45 डिग्री किस साइड कहीं पर आएगा, तो ऐसा डायरेक्शन चाहिए अपने को, किधर, इस साइड डायरेक्शन में। अब कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर डी 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इधर था, इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, कितना 90 प्लस 45, मेरा हाथ नहीं घूम रहा उतना, ठीक है, तो उतना घुमा दिया, तो हमने ये बना लिया। समझ आ गया, आसान था, इजी पीजी सवाल था, इजी पीजी। सवाल नंबर 111, कंप्लीट द पैटर्न, ये भी बहुत इजी सवाल है, मीडियम बोल सकता हूं इसको मैं, सिंपल। सबसे पहले तो देखो यार पैटर्न देखो, बाहर स्क्वायर था, अंदर सर्कल था, फिर बाहर सर्कल लाके अंदर स्क्वायर कर दिया, तो अंदर बाहर, और उसका क्या नाम है, अक्षय कुमार वाला स्वाइप करने वाला, हाँ, यहाँ पर स्वाइप हो गया, स्क्वायर क्या बन गया, सर्कल बन गया, सर्कल स्क्वायर बन गया। तो यहां पर भी आप डायग्राम देखो, अंदर में स्क्वायर है, बाहर में रोम्बस है, तो अब अगले में क्या होगा, अंदर में रोम्बस होगा, बाहर में स्क्वायर होगा, तो अंदर में रोम्बस, बाहर में स्क्वायर, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है। तो 1 कट गया और 3 कट गया, क्योंकि बाहर में सर्कल दिया हुआ है, सर्कल नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए, बाहर में स्क्वायर चाहिए, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, अंदर में अपने को चाहिए रोम्बस, अंदर में रोम्बस, अंदर में रोम्बस है, ठीक है। लाइट आ चुकी है, तो अपन लाइट की ऑन ऑफ करके रखें भैया, हैं गोरे चिट्टे हो जाते हैं थोड़े लाइट चमका के। लाइट है ना, लाइट है कि गोल है, लाइट लाइट है शायद, है ना, देख लेता हूं एक बार, लाइट है कि नहीं, हाँ जी लाइट है, चलो अब थोड़ा चमके ना हम, है चमक, लाइट का चमक आना चाहिए, मजा आना चाहिए वीडियो में, हैंडसम दिखने चाहिए तुम्हारे सर, ठीक है, हैंडसम। देखो यहां पर, अब यहां पर क्या करना है, इन दोनों में से अपने को चूज करना है। इसमें देखो यहां पर जो क्रॉस बना हुआ था, वो क्रॉस का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, क्रॉस जैसा डायरेक्शन था वैसा ही डायरेक्शन है। तो यहां पर भी आप लोग, अपन जो इस क्रॉस का डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो इसका क्रॉस कैसा है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, तो अगला भी वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल होगा। टाइम अभी बस होने वाला है, 11 क्वेश्चन हो गए हैं, ज्यादा नहीं, आधा हो गया लगभग समझ लो। हाँ जी, इशिका मैम ने नहीं बनाया क्या आंसर, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बनाई बने अब, तब तक मैं करता हूं इनको। यहां पर आप लोग देखोगे तो हाँ ये वाला है, ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे अपन, तो ये वाला कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 112 पे, 112 पे, बहुत अच्छे बच्चों, हैंडसम कह रहे सुशांत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यो यो डैब मारो मेरे साथ, डैब मारो 112 सवाल पे आ जाओ। क्या पूछ रहा है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको इसके अंदर दिखाई देगा। तो आप देखो ये डायग्राम है ना, फिगर के अंदर दिख रहा है ना ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, इजी पीजी सवाल था। जी सर आप ऐसा क्यों देख रहे हैं मुझे इस इन नजरों से, हाँ वो मैं देखा था, कितने हो गए, कोई नहीं, चलिए। विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करता है, देखो यहां पर आसान से 1, देखो यहां पर 2 और उसका अपोजिट 5, कितना हो गया 7, तो बीच में 7 है, यहां पर 4 प्लस 3 7, तो आपको अपोजिट में क्या करना है, एड करने पे 7 आना चाहिए, तो इधर 1 है एक साइड में, तो दूसरे साइड में क्या होगा 6 होगा, ताकि 1 प्लस 6 7 हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द
करेक्ट आंसर, इजी सवाल था ये भी, इजी पीजी। अभी तक एक भी हार्ड सवाल नहीं आया है इंटेलिजेंट टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर ये 114। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेट जे, सेट जे हम लोग सेट जे कर रहे हैं सॉल्व। आप लोगों के में क्वेश्चन आगे पीछे दिया होगा तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, नहीं भी अगर नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद डिस्कशन वापस से क्वेश्चन नंबर वन से लेकर धीरे धीरे करके वापस अपन आंसर डिस्कस करेंगे, खाली उसमें समझाएंगे नहीं, फिर उसमें सिर्फ आंसर देंगे, अभी पूरा समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप तक में लॉजिकल ऑर्डर आपको चाहिए। देखो भैया, बॉटम से टॉप मतलब आपके बॉडी में बॉटम से टॉप, सबसे नीचे क्या आता है, उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर क्या आता है, ये आपको बताना है। तो सबसे नीचे आपका इसमें से क्या आता है, सबसे नीचे आता है टो, क्या आता है टो, तो सबसे पहले तो बी होगा, टो आएगा, है ना, टो मतलब आपका अंगूठा जो नीचे का है। उसके बाद क्या आता है, हील, क्या आएगा, हील आपकी एडी, हील मतलब एडी, तो फिर आना चाहिए बी के बाद डी आना चाहिए। फिर हील के जस्ट ऊपर आता है एंकल, एंकल है ना, एंकल मतलब जो पैर का ये वाला एरिया होता है, जैसे मान लो ये हील है नीचे, तो नीचे ये जस्ट ऊपर जो है वो है एंकल, पैर आप कैसे रहता है ना, एंकल, ये एंकल कहलाता है। तो एंकल, तो ऑप्शन नंबर ई, पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर उसके ऊपर काल्व्स। काल्व्स क्या होते हैं बताओ, मेरा पैर यहां तक उठेगा नहीं मतलब ऐसा समझो, ट्राई करते हैं, ये नीचे वाला पार्ट, समझ आ गया, आपका जो लेग है ना, लेग का ये मान लो घुटना है, तो घुटना के और आपके एंकल के बीच में ये पीछे साइड नहीं टाइट टाइट होता है मसल्स, यहां पर के मसल्स, दीज आर नोन एज काल्व्स। तो काफ्स आएंगे उसके ऊपर, और काफ्स के जस्ट ऊपर नीज, घुटने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये बी डी ई सी ए किसमें दिख रहा है, बी डी ई सी ए, बी डी ई सी ए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो टू इज द करेक्ट आंसर, 114 का टू है। ये मीडियम सवाल था, मीडियम सवाल था, ठीक है। इसमें हार्ड नहीं, इसको हार्ड बोल सकते हैं, इसको हार्ड बोल दूंगा एक पल को, क्यों, क्योंकि अभी तक हार्ड सवाल आया नहीं है, एक आध हार्ड तो बोलना पड़ेगा ना। हार्ड सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती, अगर आपको काफ्स का मतलब नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, अदरवाइज तो आपको अगर अंग्रेजी आती है, आपको एंकल का मतलब अंग्रेजी में नहीं पता तब फिर दिक्कत होता, तो अंग्रेजी जिसको नहीं आती है उसके लिए ये टफ होता, अदरवाइज इजी था। 115, ये तो बहुत आसान है, डिक्शनरी वाले बहुत सारे सवाल करा चुका हूं फौजी बैच के अंदर में आप लोगों को, मैं बोला है कि इसको अरेंज करना है डिक्शनरी वाइज, ठीक है, खुद सोचो आराम से देखना, इसमें ना सारे सारे नहीं निकालने, शुरू के दो निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा, शुरू के दो कैसे निकालोगे, चलो मैच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये पी 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 पी, फर्स्ट वाले लेटर से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, सेकंड में आर 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 हो गए तो वो भी नहीं कंपेयर हो पाएगा, फिर उसके बाद आई आई ई ई आई, यानी कि ये दो जो हैं सी और डी, ये फर्स्ट या सेकंड पे आएंगे, और इन दोनों में देखो वी और वी का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, फिर आई और ई में पहले कौन आता है, ई आता है, मतलब दिस इज द फर्स्ट, तो सबसे पहले डी आएगा, दिस इज द सेकेंड, तो डी के बाद सी आएगा। डी सी किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर टू में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर फोर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, डीसी किसमें दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर थ्री में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर थ्री, इजी पीजी सवाल था, इजी पीजी सवाल था, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। 116 आसान सवाल है, 116 भी देखो ध्यान से, ये बता चुका हूं आपको, नहीं याद आ रहा तो फौजी बैच में जाओ, इसमें प्रॉपर मैंने आपको डायग्राम के साथ पूरा क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया था कि किस तरीके से रेन साइकिल वाटर साइकिल चलता है, वाटर साइकिल को समझाना है इसमें। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हीटिंग होती है, गर्म होता है पानी, क्या होता है गर्म, तो सबसे पहले हीटिंग आएगा, तो डी। अब आप देखोगे तो इसमें आगे बढ़ना ही नहीं है, क्यों नहीं बढ़ना है, क्योंकि चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें डी दिया सबसे पहले, विच इज दिस वन, फोर्थ इज द करेक्ट वन। क्या होता है, पहले सबसे पहले हीटिंग होगा, हीट की वजह से पानी एवोपोरेट होगा, तो उसके बाद ये आएगा, यानी कि ई आएगा, उसके बाद फिर एवोपोरेशन होने के बाद क्या होगा, कूलिंग होगा, तो फिर बी आएगा, कूलिंग के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन, मतलब जो वेपर है वो लिक्विड में बदल जाएगा, तो कंडेंसेशन ऑप्शन नंबर सी, और फिर लास्ट में रेन होगा, यानी कि ए, तो डी ई बी सी ए, डी ई बी सी ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। ये भी अब मीडियम सवाल था ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मीडियम नहीं, इसको टफ बोल सकते हैं, चलो इसको एक बार टफ बोल सकते हैं, अगर आपको याद नहीं होगा वाटर साइकिल का प्रोसेस तो। सवाल नंबर 117 आसान है, इजी पीजी, इजी पीजी, वाटर इमेज बताना है भैया 5374 का, तो 5374 वाटर इमेज के लिए यहां पर हमने लाइन खींच दिया, और वाटर इमेज कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, सेवन ऐसा कुछ बनेगा, और फिर अच्छा फोर ऐसा बना हुआ है ना, फोर ऐसा लिखा हुआ है फोर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा।
अब देखो इसमें से ना आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो एलिमिनेट करना शुरू कर दो। मैं बता रहा हूं, सबसे पहला देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी में क्या फोर से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या फोर से पॉसिबल स्टार्ट होना, नहीं, मिरर इमेज थोड़ी है, मिरर इमेज रहता तो फोर से स्टार्ट होता, वाटर इमेज है तो फाइव का उल्टा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर आप देखो तो और कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन एलिमिनेट कर सकते हो, देखो क्योंकि सेवन और फोर तो एकदम सेम टू सेम लिखा गया ना, चेंज ही नहीं हुआ कुछ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बच गए कौन से, थ्री और फोर में, मैच करके देखो किससे मैच हो रहा है, तो आप देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 117 का थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। मैच करके देखो फाइव का उल्टा हो गया, यहीं पर देखो ना दिख रहा है साफ साफ, फाइव का उल्टा, थ्री का उल्टा, सेवन का उल्टा और फोर का उल्टा, यहां पर एक तरीके से मिरर इमेज बना, ये मिरर बना दो और खुद मैच कर लो। अच्छा दिया सवाल, जस्ट नीचे ही आंसर उसके, 117 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इजी पीजी सवाल था ये वाला, सवाल नंबर 118 पे आते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म, इनमें से मिसिंग टर्म कौन सा है, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता, नौ इससे इजी क्या आएगा यार, इसमें से आपको 400 से आपको 388 लाने के लिए माइनस 12 करना है, 388 से 376 लाने के लिए माइनस 12 करना है, 376 से 364 लाने के लिए माइनस 12 करना है, तो अगले लाने के लिए भी माइनस 12 करोगे ना, तो 364 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 में 2 गया 2, 6 में 1 गया 5, 352 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। पता नहीं इस स्टूडेंट ने इतने सारे गलत कैसे कर रखे इंटेलिजेंट टेस्ट में, आसान सवाल था बेटा, पता नहीं आप इतनी गलती कैसे कर सकते हो, जीके का मेरे को समझ आता है, टफ आया था ये तो आसान आया था, तो ये तो इजी पीजी सवाल था, इजी पीजी, इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 119 पे, फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म इसको ढूंढना है, ये इसको बोल सकता हूं एक तरीके का हार्ड, ये हार्ड सवाल है, ये हार्ड सवाल है, ठीक है। इस हार्ड सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे को थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी, मैं कोशिश करता हूं यहीं पर एडजस्ट करने की। देखो थ्री से सेवन में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, फोर ऐड करना पड़ेगा, सेवन से सिक्सटीन में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, नाइन ऐड करना पड़ेगा, सिक्सटीन से 35 में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 19 ऐड करना पड़ेगा, और 35 से 74 में जाने के लिए आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा कितना, आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा 39, कितना करना पड़ेगा 39। आप बोलोगे सर पैटर्न तो दिख ही नहीं रहा, पहले 4 ऐड किए, फिर 9 ऐड किए, फिर 19 ऐड किए, फिर 39 ऐड किए, अब कितना ऐड करें, क्या पता भैया हमको, तो इसमें थोड़ा टफ है, तो हार्ड क्वेश्चन है ये। अब क्या करो, सेकंड स्टेप, अब इसमें पैटर्न ढूंढो, समझ रहे हो, दो स्टेप का यूज आ रहा है इसमें, आपने इसमें से पैटर्न निकाला कि कितना कितना ऐड किया, पहले 4 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, फिर 19 ऐड किया, अब इसमें पैटर्न निकालो कि 4 से 5 कैसे बना, 4 से 9 कैसे बना, 9 से 19 कैसे बना, तो इसमें आप पैटर्न क्या देखोगे, 4 से 9 बनने के लिए 5 ऐड हुआ, 9 से 19 के लिए 10 ऐड हुआ, 19 से 39 के लिए 20 ऐड हुआ, तो डबल करते जा रहा है, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, तो 20 टू जा 40, तो 39 में 40 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 39 में 40 ऐड करेंगे तो 79 आएगा, 79। अभी ये 79 आंसर नहीं है याद रखना, हमको ये डिफरेंस पता चला ना, पहले 4 ऐड किए थे, फिर 9 ऐड किए, फिर 19 ऐड किए, फिर 39 ऐड किए, अब 79 ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, 74 में 79 ऐड करना है, तो 74 प्लस 79, 9 4 13 हाथ में गया, 7 7 14, 115, 153 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आसान था, एक आध दो हार्ड सवाल आए हैं, अदरवाइज सारे के सारे इजी सवाल हैं इंटेलिजेंट टेस्ट के, 6 सवाल और बचे हैं, सारे करा रहा हूं मैं, फिर इंग्लिश का शुरू करेंगे अपन, फिल इन द ब्लैंक्स। आसान है, बहुत आसान सवाल है, बहुत वेरी इजी। देखो सबसे पहले क्या करना है, ए में कितना जोड़ोगे तो ई आएगा 4, ई में कितना जोड़ोगे तो आई आएगा 4, आई में कितना जोड़ोगे एम आएगा 4, तो एम में कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है, तो एम के बाद 4, एन O P Q कितना आ गया, Q, तो सबसे पहला तो Q आएगा, Q वाले ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो कट गया, ये दो बच गए, अब सेकंड वाला खाली देखेंगे अपन, बाकी को नहीं देखेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, सेकंड वाला इसमें U है, सेकंड वाला इसमें T है, सेकंड का आंसर मतलब सेकंड पे कौन सा है पता चल गया तो तुरंत आंसर मारेंगे 50, बाकी के थर्ड और फोर्थ को चेक नहीं करेंगे अपन, ठीक है, तो सेकंड को चेक करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ये Q आ चुका है। सेकेंड देखो, डी से एच, डी से एच जाने के लिए, अरे डी से एच ही क्यों ले जाना है, इससे भी आसान तरीका बताता हूं मैं, ए से डी जाने के लिए कितना लिया, प्लस 3, ई से एच जाने के लिए प्लस 3, एफ जी एच है ना, आई से एल जाने के लिए प्लस 3, एम से पी जाने के लिए प्लस 3, तो क्यू से प्लस 3 करना है, क्यू प्लस 3, क्यू के बाद आता है आर एस टी, तो टी आया थर्ड नंबर पे, तो क्यू के बाद क्या आएगा, टी आएगा,
तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर, क्यू टी टी डब्ल्यू। तो ये लास्ट के दो मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना है अपने को। इसके क्यू टी किसमें दिख रहा है, क्यू और टी ऑप्शन वन टू और फोर में तो है नहीं, तो ये थ्री, तो यू आर अ क्यू टी है ना, आप क्यू टी हैं, हम क्यू टी हैं, क्यू टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 121 ये इजी सवाल था, इसको मीडियम बोल सकता हूं एक तरीके से, मेरे लिए इजी था, आप लोगों के लिए मीडियम सवाल था। सवाल नंबर 121 पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर विच कंप्लीट द गिवन ग्रिड। आसान सवाल है बच्चों, कैसे कर रहे हो इतना आसान सवाल, देखो क्या किया इसने, इसने क्या किया, पहला दूसरा को जोड़ के तीसरा ले आया, पहला और दूसरा को जोड़ा तो तीसरा आ गया, पहला और दूसरा को जोड़ा तीसरा आ गया, तो इसमें इसको और इसको जोड़ना है, तो ये ऐसा बनेगा, इधर फर्स्ट वाले से ये आ जाएगा, सेकेंड वाले से ये आ जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। कहां पर है ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। इजी सवाल था बच्चों, इजी पीजी सवाल नंबर 122। और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब मार दो भैया प्लीज, मजा आ जाना चाहिए, 3000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, बुक ऑथर डिश का क्या होगा। भैया बुक को कौन बनाता है, ऑथर लिखता है, बुक को कौन लिखता है, ऑथर, तो डिश को कौन बनाता है, शेफ बनाता है, कौन बनाता है, शेफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, है ना, आसान सवाल था, इजी पीजी, जिसकी भी अंग्रेजी ठीक ठाक थी ना उसके ये सारे सवाल बन जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल 123, इसमें स्टूडेंट ने देखो यहां पर गलत कर दिया, ऑप्शन नंबर टू मार दिया ठीक, लेकिन जिसकी अंग्रेजी अच्छी उसको पता है कि भैया फ्लड का मतलब बाढ़ आना, बहुत ज्यादा पानी, ड्राउट का मतलब सूखा पड़ना, तो बहुत ज्यादा पानी और सूखा पड़ना दोनों अपोजिट हो गए, तो फ्लड का अपोजिट है ड्राउट, तो जीनियस का अपोजिट क्या होगा, जीनियस मतलब बहुत होशियार, उसका अपोजिट एकदम मूर्ख, मूर्ख किसको बोलते हैं, फुलिश, ऑप्शन नंबर फोर, फुलिश, फुलिश बोलो या फिर उसको फुलिश के मैं बहुत सारे तुमको ना शब्द बताता हूं, बच्चे अपने दोस्तों को चिढ़ा सकते हो तुम। एक होता है फुलिश का मोरॉन, एम ओ आर ओ एन, मोरॉन। दूसरा होता है ब्लॉक हेड, बी एल ओ सी के एच ई ए डी, ब्लॉक हेड। तो मोरॉन, ब्लॉक हेड, फूल, डंकी, गधा, मूर्ख, वैशाख नंदन, ये सारे शब्द आप अपने मित्रों से बोल सकते हो, क्योंकि मैं तो अपने दोस्तों को अलग अलग वैरायटी के नाम से बुलाता हूं, कभी बोलूंगा हेलो वैशाख नंदन कैसा है, हेलो मूर्ख कैसा है, हेलो ब्लॉकहेड कैसा चल रहा है सब, ठीक है, तो आप भी अपने दोस्तों को ऐसे चिढ़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इजी पीजी सवाल था, मेरे हिसाब से तो टफ नहीं था भैया ये, क्योंकि आपको अंग्रेजी इतनी तो आनी चाहिए कि फ्लड का अपोजिट ड्रॉट होता है, जीनियस का अपोजिट फुलिश। सवाल 124 में मिसिंग आपको बताना है, पेयर बताना है आपको मिसिंग, ठीक है भैया, आपको इनका रिलेशन देखना है फर्स्ट और सेकंड का, और फिर थर्ड और फोर्थ का, थर्ड के साथ फोर्थ का रिलेशन बताना है और आपको आंसर बताना है। देखो आसान है बहुत, करके दिखा रहा हूं मैं, ए डी ई, ए डी ई, और क्या दिया हुआ है, एफ जी जे, इनका रिलेशन आपको देखना है, इनका रिलेशन। अच्छा देखो यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, ए से डी में जाने के लिए कितना ऐड किया, थ्री ऐड किया, प्लस थ्री, और डी में सी जाने के लिए प्लस वन ऐड किया, तो पहले तीन ऐड किया फिर वन ऐड किया, इसमें क्या किया, एफ में से जी जाने पे प्लस वन किया, जी में से जे जाने के लिए प्लस थ्री किया, तो इस वाले में थ्री फिर वन, तो इसमें वन प्लस थ्री, तो आपको जस्ट अपोजिट कर देना है। तो अब इसमें देखते हैं के एनओ में, के एनओ में, के एनओ में, के एनओ में क्या है, के का पोजिशन, के का पोजिशन से एन में जाना है, के पोजिशन से एन में जाना है फिर ओ में, तो के पोजिशन से एन में जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस थ्री और फिर प्लस वन, तो इसमें भी पहले थ्री को ऐड किया फिर वन को ऐड किया, तो अपन क्या करेंगे, वन और फिर थ्री ऐड करेंगे, तो इनमें से देखो कि सबसे पहले किस में वन ऐड हुआ है, तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर वन में पी से क्यू गया प्लस वन ऐड हुआ है, इसमें भी पी से क्यू गया तो ये भी प्लस वन है, आर से क्यू गया तो माइनस वन हुआ तो ये नहीं होगा, टी से पी गया तो इसमें भी माइनस हुआ तो ये भी नहीं होगा। तो सौरभ सर यहाँ डांस करते हुए, मैं कैमरा हिला नहीं सकता वरना आपको दिखाता, सर यहाँ पर नाच रहे हैं पता नहीं क्यों, सर दिखा दो, आ जाओ डांस ही दिखा दो, हुला ला ला ला, हो हुला ला ला ला, हो ठीक है, तो ये दो तो नहीं होंगे। अब इनमें से देखना है प्लस वन ऐड करने के बाद कितना ऐड करना है, प्लस थ्री, क्योंकि प्लस वन के बाद प्लस थ्री ऐड करना था, ये रिलेशन था, तो क्यू में प्लस थ्री ऐड करोगे तो कितना आएगा, क्यू के बाद आता है आर एस टी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। इजी पीजी सवाल था, इजी पीजी सवाल था, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। चलिए लास्ट 125, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, बहुत आसान है, बहुत आसान, इजी पीजी सवाल है, इजी पीजी। देखो यहां पर कफ का थ्रोट है, कफ का क्या है, थ्रोट है। अरे भैया कफ कहां पर होता है, थ्रोट में होता है ना, गले में होता है, तो पूछ रहा है अस्थमा कहां पर होता है, अस्थमा लंग्स में होता है, लंग्स में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर टू। इसने हेड क्यों किया है भैया,
बच्ची कैसे कर रहे हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर टू, अब गिनते हैं कितने हार्ड आए थे कितने इजी आए थे, इजी गिनते हैं, हार्ड तो बहुत कम थे, ठीक है, इजी गिनते हैं एक बार फटाफट से, इजी पीजी, एक दो तीन चार पांच छह सात सात आठ नौ दस दस ग्यारह ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, 18 क्वेश्चन तो इजी आए थे और दो तीन क्वेश्चन टफ थे, तो आपके कम से कम 22-23 तो आने चाहिए ना गधों, अगर नहीं आए हैं तो खुद को थप्पड़ मारो, ठीक है। जीके में बिगड़ा मैं समझ सकता हूँ, टफ क्वेश्चन थे, सात आठ टफ क्वेश्चन आए हुए थे, ये तो इतना आसान आया, इसमें तो तुम एकदम 25 out of 25, देखो 23 आया किसका, गौरव का 23 आया और किसका, ठीक है ठीक है, चलो मैं जाता हूँ सौरभ सर को इंग्लिश का, ये रहो मैं, अच्छा अच्छा ठीक है सर इंग्लिश बताएंगे, सौरभ सर इंग्लिश बताएंगे, अब सॉरी पेन ले लें, पेन नहीं जरूरत है, अच्छा टिक करते रहिएगा, ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन बोला था, माउस का माइक पिछले साल आया था, ये तो हाँ, मेरे को चाइल्ड का चिल्ड्रन ये सब पिछले साल आए थे सारे के सारे, सेम क्वेश्चन है मेरे को, अलग अलग टाइप से आए थे लेकिन ये सब क्वेश्चंस में आए थे, अच्छा, है ना। तो यहाँ पर सिंपल है, शिप का होता है शिप, शिप्स नहीं होता है, शिप का शिप ही होता है, तो इनकरेक्ट होगा थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन टैग, सर सेम क्वेश्चन पिछले चार साल से आ रहा है, क्वेश्चन टैग बताना है ना, और सब में ऐसे डजंट सी डजंट ही, हर साल ऐसा अंतर था, अरे सर वीडियो देखिएगा ना, फौजी बैट्समैन को समझाया मैंने, फौजी बैट्समैन बताया गया है, तो इसका आंसर है डजंट सी, क्वेश्चन टैग सिंपल सा है ना, ओके हाँ चलो। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर जेंडर, तो भाई मैस्कुलाइन फेमिनाइन और न्यूटर, ये तो आपके जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल, ये तो नंबर्स के लिए होते हैं, तो साफ दिख रहा है थर्ड, ठीक है। इतना इजी पेपर आया है अंग्रेजी का भैया, बहुत इजी पेपर आया है, जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहे हैं सर, ये इन शब्दों का मीनिंग बता दो, बस थोड़ी देर में, मतलब 7:18 हुआ है, 7:25 तक 125 डिस्कस हो जाएंगे, 125 क्वेश्चन आई थिंक फास्टेस्ट, इसके बाद लाइव में आके हम एक बार रैपिड आपको आंसर की बता देंगे, है ना, फिर उसके बाद एक बार और लाइव आकर फिर बता देंगे, फिर बातें भी कर लेंगे, थोड़ी बातें भी करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना, श्रेष्ठ सर ने जैसे पिछले साल बताया था अपनी कहानी, है ना, वैसे वो भी बताएंगे, तो बस भैया सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट सर, मैं फटाफट बता देता हूँ कि मस्कुलिन का मतलब होता है मर्दानापन, जैसे मर्द होते हैं, और फेमिनिन का मतलब होता है औरत वाला पन, ठीक है, हाँ, और ये न्यूट्रल, न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल, ठीक है। अगला सवाल नंबर फोर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, कम एंड डू योर ड्यूटी, ये आपका इंपेरेटिव है ना, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से कुछ करने के लिए, है ना, या गाइड कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर, देखो लाफ्टर छू सकते हो क्या, हाँ, देख सकते हो क्या, लाफ्टर को देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं, तो वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा भैया, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी अपन डिस्कस करते जा रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर सिक्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब, ठीक है, इनफ, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख के बता सकते हो भैया, वन और टू तो नहीं होगा, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में, सर इस पेपर ने तो बेज्जती कर दी, क्यों बेज्जती कर दी भैया, इतना इतना अच्छा पेपर है ना, मैं तो बोलूंगा मैथ्स इजी था सर, है ना, एक दो क्वेश्चन को हटा दो, बाकी एक तो बोनस क्वेश्चन है सर, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, अच्छा हाँ, मैथ्स में एक बोनस क्वेश्चन है, 360,000 आंसर होना चाहिए, उन्होंने 3 crore Arab ये सब आंसर दे रखे हैं, है ना, तो एक और बाकी दो अच्छे क्वेश्चन है, बाकी सब बहुत ही रद्दी क्वेश्चन सर, न्यूमेरिकल मतलब कैलकुलेशन तक इजी है, इतना इतना इजी क्वेश्चन है, अंग्रेजी आप देख ही रहे हो, देयर इज इनफ इंक इन द पॉट, इंक नाउन है, नाउन को जो बताता है उसको एडवर्ब नहीं बोलते, एडवर्ब किसको बोलते हैं, जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद को जो मॉडिफाई करे उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब किसको बोलते हैं, जो वर्ब को एडजेक्टिव को, है ना, या वर्ब को मॉडिफाई करे, तो अब आप बोलोगे सर यहां पर भी इनफ काइंड इनफ, सर आप यहां पर बोलोगे सर एडजेक्टिव को कर रहा है, सर यहां पर भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को कर रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ नहीं, क्योंकि जब भी आप इनफ वर्ड को एज एडवर्ब यूज कर रहे हो तो वो आपका हमेशा एडजेक्टिव के बाद होना चाहिए, नॉट बिफोर, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर थर्ड करेक्ट होगा, काफी सारे लोग फोर्थ भी सोचे होंगे, फोर्थ भी टिक मार के आए होंगे, बट भैया इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। From the following, select the most appropriate option to fill in the blank. A dash of ship, a fleet of ship. भैया पूरा टेबल दिया गया था आपको, याद करना था, है ना? आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 500 out of 25
भैया प्रज्वल क्या बोल रहे हो, आगे बढ़ते हैं, है ना भैया, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, है ना। आपने जो भी आपके 2024 का सैनिक स्कूल का नवोदय का सारा बैचेस लॉन्च हो चुका है और पूरे इंडिया में जो हम आपको दे रहे हैं वो सबसे कम प्राइस में लाइव क्लास रिकॉर्डेड, है ना सर, इनका माइंड मैप, रिविजन, टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर, सब कुछ मात्र आपका 1300 समथिंग रुपए का फौजी बैच है, 1300 के लिए, 1300 समथिंग, है ना। तो बहुत ही सस्ता है, एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करना सबको। चलो ठीक है, विच ऑफ द सेंटेंस, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड। सर इसमें तो मेरे को किसी का कोई मतलब नहीं आ रहा, चारों गलत लग रहे हैं। हाँ, बट जो सबसे सही, इन चारों में जो सबसे सही लग रहा है वो सेकंड वाला लग रहा है। सर ईच कॉल ईच अदर विद द माइक रिपीटिंग कॉल्स, माइस रिपीटिंग कॉल्स, है ना, द माइस कॉल्स ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल्स, एक ये थोड़ा मेरे को मीनिंगफुल लग रहा है। द माइस कॉल रिपीटिंग कॉल्स विथ ईच अदर, कोई मतलब नहीं लग रहा है। द माइस रिपीटिंग कॉल्स विथ ईच अदर, है ना। तो मेरे हिसाब से देखो सेकंड इसका मेरे को लग रहा है इसका आंसर करेक्ट हो सकता है, सेकंड आपको सेकंड लग रहा है, सेकंड क्या है, द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स, है ना। और फोर्थ वाला द माइस रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर, द माइस रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर, मैच नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा है। चलो तो क्या ऑप्शन नंबर सेकंड, वैसे सेकंड और फोर्थ में ही कंफ्यूजन था इसमें, है ना। चलो, डोंट डिस्टर्ब मी, प्रेजेंट टेंस है, अभी अभी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, भैया डज तो कंप्लीट हो गया बोल रहे, नहीं, आई डैश माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क प्रेजेंट है, है ना। डोंट डिस्टर्ब मी अभी प्रेजेंट का बता रहे हैं ना, अभी डिस्टर्ब मत करो तो आप प्रेजेंट यूज करो, कंटिन्यूअस टेंस, मुझे भी थोड़ी अंग्रेजी आती है सर। चलो, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब जो वर्ब एडजेक्टिव और जो वर्ब एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं एडवर्ब। सी रीड्स द आंसर ट्वाइस, तो यहां पर जो ट्वाइस है वो चेंज कर रहा है कि इसको वर्ब को रेड, सी रेड द आंसर ट्वाइस, है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ट्वाइस, तो इसीलिए ट्वाइस जो है वो आपका होगा एडवर्ब, बिल्कुल करेक्ट है जिसने भी ये आंसर दिया है, है ना, ट्वाइस, ठीक है ना। Choose the option that is opposite of brave. Sir, कितना easy question. Brave मतलब जैसे इस तरह, है ना? Thank you. तो उसका opposite क्या होता है? Coward. Coward, है ना? ठीक है? अच्छा, इसको easy peasy, बहुत easy peasy था? Easy peasy. है ना? Choose the word nearest to meaning to the underlying word. She requested him to drop her होम, भाई रिक्वेस्ट करना मतलब क्या, पोलाइटली पूछना, आस्क पोलाइटली, सर ऑप्शन भी इजी इजी दिए हुए ना, देखो ऑर्डर्ड, भैया रिक्वेस्ट करना और ऑर्डर्ड करना तो अपोजिट हो गया एकदम, है ना, इंस्ट्रक्टेड नहीं, फोर्स्ड नहीं, रिक्वेस्ट किया, प्लीज पोलाइटली पूछा, प्लीज लाइक द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, है ना, तो रिक्वेस्ट, आस्क पोलाइटली, तो टू इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑर्डर देना रहता तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और लाइक कर दो। चलो, तो सी आस्क्ड पोलाइटली, चूज द करेक्ट वर्ब, वर्ब बताना है, ठीक है। द बेबी वॉज डैश इन द रूम, वॉज मतलब पास्ट, तो भैया ये व्हील वाले को तो पहले ही हटा दो, है कि नहीं, तो साफ साफ पता चल रहा है भैया स्लीपिंग, द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको एग्जाम के एक दिन पहले रात को आके बोला था, बस टेंस पढ़ लो, मैंने भी सुना था, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव सब हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ टेंस पढ़ लो, है ना। और इसी का मैम ने आपको अलग से पूरा टेंस पढ़ाया है, यस। चलो, रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे चूज अ करेक्ट ऑप्शन, कौन सा क्वेश्चन है, 14, ठीक है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, है ना, मतलब भाई आपने अपना बेस्ट दिया, जैसे आज आप सब ने अपना पूरा बेस्ट दिया, है ना, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बोलते ना माइंड ब्लोइंग टाइप्स, है ना, तो यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब भाई एकदम सुपर से भी ऊपर वाला आप लोगों ने आज परफॉर्मेंस दिया। चलो, आईडीएम क्या होता है सर, इनको बता दो एक बार, याद दिला दो, गोलू सर की जीके मैं इम्प्रूव करा दूंगा दो साल में, मेंटी ले लेके। अच्छा, कितने लोगों को मेंटी के बारे में पता है, नहीं पता है तो भाई चैनल में जाकर देखना, मिल जाएगा मेंटी क्या होता है, क्विज कंपटीशन होता है, क्विज कंपटीशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, लीडर बोर्ड अगर होता है, है ना, तो रैंकिंग भी निकलती है, पता ही चल जाएगा नेक्स्ट, अच्छा, रैंकिंग निकालनी बची है कल वाली, परसों वाली, अच्छा रैंकिंग निकालनी है सर, याद दिलाना, आज कर देते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सिंसियरिटी की, भैया पहली वाली सबसे करेक्ट है, SINCERITY, सिंसियरिटी, ठीक है, ईमानदारी, सच्चाई,
और सर ये क्वेश्चन इस टाइप का ना हर साल आया है, जिसका आंसर हु ही है। अच्छा, मतलब हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आया है ना, कभी आगे कभी बीच में, और हर बार इस टाइप का क्वेश्चन मार्क के साथ क्वेश्चन आया है। डैश इज स्टैंडिंग एट द गेट, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। साफ साफ पता चल रहा है हु इज स्टैंडिंग एट दरवाजे पे, कौन खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं हु वहां रसोड़े पे कौन था रसोड़े में कौन था, हु वॉज एट द रसोड़े में कौन था। चलो आगे बढ़ते हैं, हु इज द करेक्ट आंसर। जी फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, है ना। दे आर गोइंग टू, कौन सा आएगा, ए या द, एन तो आएगा नहीं, है ना, या फिर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर कंप्लीट सेंटेंस है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से द आना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो दे आर गोइंग टू, आप एक स्पेसिफिक मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हो, दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, है ना। ए भी यूज आता है, आप मेट्रो स्टेशन के आगे ए भी यूज बहुत बार देखोगे, बहुत सारे सेंटेंस में देखोगे, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो लोग पोस्टर चिपका रहे थे मेट्रो स्टेशन में, तो वहां पर ए आएगा, है ना। लेकिन जब आप स्पेसिफिक दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, वो लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। मेरे को अभी तक पूरे इंग्लिश में दो ही क्वेश्चन में एक डाउट है, एक जो आया था और एक ये वाला, दो क्वेश्चन में मेरे को बस डाउट है, बाकी तो आपका श्योर है एकदम, है ना। चलो वैसे द ही होना चाहिए सर, स्पेसिफिक बोल रहे हैं द मेट्रो स्टेशन, तो They are going to a metro station क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अपन जैसे स्पेसिफिक बोल रहे हैं ना, they are going to the metro station, मतलब एक metro station, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पर कोई है तो वो लोग metro station जा रहे हैं, तो नहीं, but इसे previous sentence कुछ है ही नहीं ना, हाँ तो फिर स्पेसिफिक कैसे होगा, मतलब अगर नहीं, मैं आपको बोलो कि सौरभ सर इज गोइंग टू अ स्कूल अ कोचिंग, तो हो सकता है ना कि कोई सा भी कोचिंग की बात चल रही है, हाँ। फिर आप बोलोगे स्पेसिफिक तो द लग जाएगा, हाँ, तो वैसे तो इसीलिए मेरे को डाउट है, लेकिन द में मैं ज्यादा वोट करूंगा, है ना, द में सर से सर ए में कर रहे हैं देख लेते हैं, यही नहीं नहीं भी अंग्रेजी वाला हमने यही बताएंगे। चलो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, सॉ देखा, कुटुकुटुकुटुकुर देखा, तो सॉ क्या हो गया, वर्ब, टू प्रीपोजिशन हो गया, ही इज आपका प्रोनाउन हो गया, नाउन के पलटे यूज हुआ, तो भैया साफ साफ ऑनेस्ट ईमानदार, है ना, आप सब हमारे ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल, भैया और कोई डाल के देख लो, दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा सर कोई ऑप्शन, द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल, अलोंग द स्कूल, अप द स्कूल, भैया मतलब बिटवीन द स्कूल, एक बार ऑप्शंस तो ऐसा बिटवीन कुछ कंफ्यूज, बिटवीन तो हो ही नहीं सकता, स्कूल्स होता था ना, दो एक दिन स्कूल होता था, एक स्कूल बोला है, चलो तो ऑप्शन नंबर बिहाइंड 19 का। 20 क्वेश्चन में आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, दे लेफ्ट डैश शूज ऑन द फ्लोर एज डैश वाज नो स्पेस ऑन द फ्लोर, ठीक है, दे लेफ्ट देयर शूज THEIR ऑन द फ्लोर एज देयर वाज नो स्पेस ऑन द सबबोर्ड, तो बी वाला ऑप्शन आएगा, पहले THEIR है ना वहां, और ये देयर उनका है ना, नहीं नहीं उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ देयर जो लिखा हुआ है पहला वाला THEIR उसका मतलब उनका, और THEIR वहां, तो दे लेफ्ट देयर शूज, उन्होंने उनके जूते फ्लोर पे छोड़ दिए, क्योंकि वहां पर देयर वॉज नो स्पेस ऑन द शू रैक, सेकेंड है ना, सेकेंड THEIR उनका और THEIR इस स्टूडेंट का, तो इंग्लिश बहुत गलती हो गया सर, ठीक है, हाँ मैथ्स से ठीक किया इन्होंने, पूरा टाइम मैथ्स में दे दिया है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, इंग्लिश भी बहुत सारा गलत है ना, तो THEIR और THERE, THEIR मतलब उनका, THERE देयर वहां, ठीक है। अब सर पैसेज भी इतना इजी था, इतना इजी, मैं क्या बताऊं, इफ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टुडे यू हैव टू पेस्ट अ स्टैंप ऑन द एनवेलप, कोई अभी आज के डेट में कभी पोस्ट किया क्या, एनवेलप में स्टैंप लगाना पड़ता है ना, हमने किया था, हमने किया था, बट लॉन्ग अगो देयर वॉज नो स्टैंप, पीपल हु वॉन्टेड टू सेंड द लेटर वुड फोल्ड इट एंड स्टिक इट विद द वैक्स, then the post office would send the letter and the person who got it would have to pay for the receiving the letter. पहले ऐसा था, क्या बोला कि पहले कोई stamp नहीं लगता था, जिसको भेजना था वो wax लगा के भेज देता था, जिसको मिलता था उसको पैसा देना पड़ता था, है ना, फिर उसके आगे कहां तक पहुंचा सर, would pay for the letter. The first stamp was printed in England. सबसे पहला कहाँ प्रिंट किया गया था, इंग्लैंड में, इट वॉज ब्लैक, वो काला कलर का था और उसमें क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर थी, किसकी पिक्चर थी बच्चा, क्वीन विक्टोरिया की, इट कॉस्ट वन पेनी, वन पेनी मतलब वहां का आपका जैसे यहाँ पर है पैसा रूपीज, हाँ। वैसे वहां का पेनी, पेनी मतलब उनका जैसे हमारा पैसा है, हाँ। जैसे हमारा रूपी है तो उनका पाउंड है, हाँ। वैसे पैसा है वैसे उनका पेनी, देयर दैट इज वाई
इट वॉज कॉल्ड द पेनी ब्लैक, है ना, ब्लैक कलर का था और पेनी मिलता। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज नोन एज फिल, ठीक है, फिलेटली, फिलैटली, ठीक है, किसी को जिसको हॉबी है ना कि भाई स्टैम्प खाली इकट्ठा करना है तो उसको फिलैटली बोलते थे। स्टैम्प्स हैव बीन बॉट आउट इन मेनी शेप्स एंड साइजेस, बहुत अलग अलग आजकल शेप और साइज के होते हैं। सम स्टैम्प्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड कैन सेल फॉर अ लॉट ऑफ मनी, कुछ बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। सर ऑप्शन देखो, अब द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड, अभी तो देखो मतलब साफ, और द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। हाँ, दिया मतलब ऑप्शन सर, क्वेश्चंस भी ऐसे दिए ना कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, एक बार आप पढ़े हो हाँ। आपको दोबारा देखना ही ना पड़े। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड फिलैटली, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ब्लैक फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ब्लैक क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, ब्लैक क्या बोलना चाह रहा है ये बताना है ना। तो ब्लैक भाई किसी ने नाउन लिखा है, इट वॉज ब्लैक, ये खुद में अपने आप में एक सेंटेंस है। अगर कुछ नहीं भी होता ना, इट वॉज ब्लैक इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब आप बोलोगे सर बिना वर्ब के तो सेंटेंस बन नहीं सकता, तो वॉज एक वर्ब है यहाँ पर, yes, है ना, हेल्पिंग वॉज एक वर्ब है और इट वॉज ब्लैक, है ना। तो यहाँ पर जो ब्लैक है वो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, yes, कि वो कैसा है, तो वो आपका क्या जाएगा, एडजेक्टिव। भैया प्रोनाउन हो नहीं सकता, नाउन हो नहीं सकता, वर्ब है नहीं, वो वर्ब तो वॉज है, तो साफ साफ ऑप्शन बच रहा है एडजेक्टिव। क्या बच रहा है, एडजेक्टिव। लैंग्वेज इजी था, लैंग्वेज बी लाइक हमको जिंदा मत छोड़ो। सैलून में कोई कोई भी गली का घंटा उनको भी बजा देता है। चलो आगे, हाँ, चूज द अपोजिट ऑफ सेंड, सेंड का अपोजिट रिसीव। और इसी के साथ 733 तक में हमने आपका पूरा 125 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर दिया। यस, 125 सर के लिए मेरा करेक्शन है, सर हमारे 10th के स्टूडेंट को हिंदी नहीं आता अच्छे से काउंटिंग में, आप 75-76 बोल देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे। ठीक है, 125 क्वेश्चंस अपन ने कर लिया, इंग्लिश में 22 आउट ऑफ 25, 23 आउट ऑफ 25, क्या बात है, है ना। चलो इनके मार्क्स के हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लगभग ऑन एन एवरेज हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में कितने आ रहे होंगे, 50 में, 50 में कई लोगों के 45 के आसपास आ रहे हैं, है ना। हाँ सर, कई लोगों ने 50 आउट ऑफ 50 भी लिखा था। अच्छा, मान लेते हैं कि नहीं, 45 मान लेते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट और इंग्लिश को मिला के मेरे को लगता है 45 हो गए, थोड़े थोड़े 90 हो गए, और जीके में मान लो 18-20 के आसपास, तो कितने हो गए 90 और 20, 1-1-10, तो 1-1-10 क्वेश्चंस हो रहे हैं, जिसमें से 45-45-3 जा 135 मैथ्स में आ गए, 135 plus 45 into 90 225 225 225 plus 40 265, तो 260 से 265 के अराउंड में ऑन एन एवरेज हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 250 मतलब क्रॉस किया है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, नवोदय की एग्जाम जो आपकी अप्रैल में होने वाली है उसका रिवीजन बैच लॉन्च हो चुका है, प्राइस देख सकते हो 195, मतलब भाई इतने में क्या मिलेगा आपको, आप कहीं बाहर जाते होगे नाश्ता करने तो आपका इससे ज्यादा खर्चा हो जाता होगा। उसमें आपको अप्रैल तक के लाइव क्लासेस मिलेंगे, मतलब जैसे हमने भी AISSE का पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए, वैसे ही यहाँ पर आपके नवोदय के सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको पूरे फुल लेक्चर्स भी मिले हुए हैं, कोई रिवाइज करना है तो माइंड मैप, रिविजन और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है मात्र 195 रुपीज में। इसके लिए अभी आपका कोई भी कूपन कोड नहीं है, लेकिन ये तीनों जो कोर्सेस हैं, सैनिक, नवोदय और RMS, अगर आप सैनिक, RMS और नवोदय तीनों की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस कोर्स में जाइए, इसमें आपको सब मिलेगा टोटल A to Z, है ना। तो अगर आप सैनिक की तैयारी कर रहे हो तो अभी मान के चलो आपकी नवोदय और RMS की हो रही है, लेकिन आपका कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कि नहीं मेरे को खाली नवोदय की करनी है या खाली RMS की करनी है, तो आप ये कोर्सेज भी ले सकते हो। आप देख सकते हो नवोदय का पूरा साल भर का सारे सब्जेक्ट्स का मिला के है 975, इसमें भी 10% का कूपन कोड चल रहा है सिर्फ नवोदय एग्जाम तक के लिए, है ना, नवोदय एग्जाम तक के लिए और लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप जा करके इनरोल कर सकते हो, है ना। ऐप डाउनलोड करके जरूर रखे, ऐप में हम बहुत सारी कई कई चीजें लाते रहते हैं, और इस साल तो हम लोगों का और भी प्लान है, कुछ कुछ आप लोगों के लिए फ्री मटेरियल वहां पर आता रहेगा, तो आप लोग जा करके इनरोल कर सकते हो। और ये प्राइस में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो चीज, जो लेवल की मैं और श्रेष्ठ सर यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। मैं और श्रेष्ठ सर दोनों NIT रायपुर से हमने अपनी इंजीनियरिंग करी है, और श्रेष्ठ सर खुद सैनिक स्कूल से पास आउट है, तो बीच बीच में वो सैनिक स्कूल की कहानियां बताते रहते हैं अपनी पूरी की पूरी, है ना। तो सैनिक स्कूल के एलुमनी है ना, और हम दोनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के
एल्यूमिनियस है ना। तो दो इंजीनियर हैं और हम लोग मतलब बहुत सारे हाई लेवल तक पढ़ा चुके हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, है ना। और यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन गाइड कर रहे हैं मात्र 1400 सर, इसमें भी 10% कम, 140 रुपए और कम। अच्छा बताओ, इसमें भी अभी 10% का कूपन चल रहा है। तो जा करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हमने वीडियो बना रखी थी, आप जाके देख सकते हो, उसमें ज्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10 का है ना। बाकी नहीं तो हर जितने भी सैनिक स्कूल है सबके कट ऑफ की हमने वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियोस हैं, आप जाके चैनल में चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। सर एंड करेंगे फिर से लाइव, दूसरा चालू करते हैं, उसमें रैपिड एक बार आंसर बता देते हैं फटाफट, इसी में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, दूसरा वीडियो बना देते हैं। अच्छा एडवांटेज एक जिसको खाली फटाफट आंसर चाहिए, एक रैपिड फटाक से मतलब उसको 5 मिनट का वीडियो देखेगा, 10 मिनट का वीडियो देखेगा। ओके तो इनसे थोड़ा देर बात नहीं करें मतलब निकले, तो फिर उसमें कर लेंगे, उसके बाद एक और कर लेंगे। ठीक है ठीक है, चलो तो ये वीडियो को अभी हम अपन एंड करते हैं कि अभी बात करना है सर, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं 10-15 मिनट, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी ये वाला वीडियो थोड़ा प्रमोट हो रहा है, हमने देते हैं चलो फिर अलग से बना के डाल देंगे। और चलो तो एक बार आंसर बता दें यहीं पर, एक बार फटाक से पूरे के पूरे आंसर, पूरे आंसर का अलग वीडियो बना देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये कौन सा जो भी सेट है, कौन सा सेट है सर, ये सेट जे, सेट जे का हम आंसर आपको बता रहे हैं फटाफट, सेट जे है ना सर, कितने सेट होते हैं टोटल, चार सेट होते हैं ना, तो एक सेट का आंसर की अपने पास हो गया। हाँ, जे के एल एम, चार सेट आए हैं जे के एल एम। तो एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर जितने भी हमारे सारे चारों हो गए, चारों नहीं हुआ, के का डीडी सर से हो जाएगा। अच्छा उनके पास के का है, अच्छा ठीक, बाकी हमारे पास है। चलो ठीक है, तो सारे आंसर की भी सर फटाक से अपन को अपन अपलोड कर देंगे, पिछले साल किए थे। हाँ, सारे तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। सर मैं कुंज पूरा का भरा है और मेरा 274 out of 300 आए, पास हो जाऊंगा या नहीं, है ना। कुंज पूरा का एक बार देखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, हमने वो वीडियो रील बना रखी है, हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आप जाके चेकआउट कर सकते हो, चैनल में जाओ, चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट में हर सैनिक स्कूल का कट ऑफ जो है वहां पर लिखा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। सर मेरा कमेंट कोई नहीं पढ़ते, अभिनव आपका कमेंट पढ़ रहे हैं भैया, प्लीज आप पढ़े, प्लीज मैं आपको पढ़ रहा हूँ कमेंट, आप बताओ आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो अभिनव, क्या कह रहे हो, है ना। चलो गोलू सर की पै लागू गुरु जी, चलो आशीर्वाद आशीर्वाद, है ना, चलो ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं फटाक से, एक बार फटाफट आंसर बताते हैं, ये जो है ये आपका कोड, जो पेपर कोड है वो है जे, और जे का हम आपको आंसर बता रहे हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन बोला था तो फर्स्ट वाले का आंसर है थर्ड, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले का आंसर है आपका थर्ड, सेकंड वाले का आंसर है सेकंड, थर्ड वाले का आंसर है थर्ड, एक बार फटाक से आपको पूरे 125 क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं। फोर्थ का आंसर है आपका 3, 5 का आंसर है 3, 6 का आंसर है 3, 7 का आंसर है 3, 8 का आंसर है 2, कई लोग बोलेंगे सर 3 टिक करना था, 9th का आंसर है 3, है ना, 10th का आंसर है 1, 11th का आंसर है 1, 12th का आंसर है 2, 13th का आंसर है 2, 14th का आंसर है 1, 15th का आंसर है 1, 16th का आंसर है 1, 17th का आंसर है 2, 18th का आंसर है 3, 19th का आंसर है 2, 20th का आंसर है 2, 21 का आंसर है 2, 22 का आंसर है 2, 23 का आंसर है 4, 24 का आंसर है 3, 25 का आंसर है 1, 26th का आंसर है 4, 27th का आंसर है 1, 28th का आंसर है 4, 29th का आंसर है 2, 30th का आंसर है 3, 31 का आंसर है 1, 32 का आंसर है 1, 33 का आंसर है 3, 34 का आंसर है 2, 35 का आंसर है 4, 36 का आंसर है 3, 37 का आंसर है 3, 38 का आंसर है 2, 39 का आंसर है 1, 40 का आंसर है 4, 41 का आंसर है 4, 42 का आंसर है 4, 43 का आंसर है 3, 44 का आंसर है 4, 45 का आंसर है 3, 46 का आंसर है 3, 47 का आंसर है 4, 48 का आंसर है 4, 49 का आंसर है 4, 50 का आंसर है 2, 51 का आंसर है 4, 52 का आंसर है 3, 53 का आंसर है 3, 54 का आंसर है 3, 55 का आंसर है 3, 56 का आंसर है डी मतलब 4, 57 का आंसर है 1, 58 का आंसर है 2, 59 का 1, 60 का 3, 61 का 2, 62 का 1, 63 का 3, 64 का 2, 65 का 2, 66 का 2, 67 का 3, 68 का बोनस, है ना, देखो 36, 4 जीरो वाला एक भी ऑप्शन नहीं है, है ना, 69 का है 4, 70 का है 3, 71 का है 4, 72 का है 2, 73 का है 3, 74 का है 3, 75 का है 2, फिर जीके
76 का 1, 77 का 3, 78 का 4, 79 का 4, 80 का 2, 81 का 1, 82 का 2, 83 का 1, 84 का 4, 85 का 3, 86 का 3, 87 का 1, 88 का 4, 89 का 2, 90 का 1, 91 का 1, 92 का 4, 93 का 1, 94 का 2, 95 का 3, 96 का 1, 97 का 1, 98 का 2, 99 का 1, 100 का है 1, सेंचुरी पूरी, 101 का है 4, 102 का है 3, 103 का है 3, 104 का है 4, 105 का है 3, 106 का है 3, 107 का है 4, 108 का है 2, 109 का है 1, 110 का है 4, 111 का है 4, 112 का है 1, और 113 का आंसर है आपका 4, 114 का आंसर है आपका 2, 115 का आंसर है आपका 3, 116 का 4, 117 का 3, 118 का 1, 119 का 1, 120 का 3, 121 का 3, 122 का 2, 123 का 4, 124 का 2, 125 का 2, बस खत्म पूरे के पूरे। सर एक काम करते हैं फटाफट, सारे सेट का भी डालेंगे थोड़ी देर। सर मेरा जो प्रीफर्ड स्टेट है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए तो क्या दूसरे स्टेट में कोई सैनिक स्कूल मिल पाएगा जो मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग है? तो नहीं नहीं, उनको आपने भरा होगा प्रेफरेंस, जो वही मिलता है ना जो आपने प्रेफरेंस। बट इस बार थोड़ा अलग है इस बार, क्योंकि आपके में ऑप्शन नहीं दिया था कौन से सैनिक स्कूल का भरना है। और कितने सैनिक स्कूल में स्टेट वालों के रिजर्वेशन कितना है, किसके लिए कितना रिजर्वेशन है, सारे शॉर्ट वीडियोस डाले गए हैं, है ना। मात्र 30 सेकंड में आपको पूरा बताया गया क्या क्या रिजर्वेशन है, कौन से स्टेट के लिए आपको कितनी रिजर्वेशन मिलेगी, किस स्टेट का कितना कट ऑफ जाएगा, सारी ए टू जेड चीज। तो चैनल को भाई खोज डालो, सारा सैनिक के अलावा कुछ डाटा नहीं मिलेगा आपको, पूरा सैनिक का डाटा भरा हुआ है। तो चैनल को आप जाओ और जाके देखो, आपको सारा, आपको जो भी चाहिए सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। राघव 300 हिंदी का सॉल्यूशन, हिंदी का सॉल्यूशन, चलो शुरू कर, हिंदी का बनाएंगे, चलो जुगाड़ करते हैं, चलो आइए ये एंड करते हैं इसके बाद। हाँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, वापिस आएंगे चैनल पे, ठीक है। अभी अभी के लिए जा रहे हैं, तुरंत वापस छोड़ दे रहे हैं। बाय टाटा, बाय बाय, जय हिंद। कहाँ है भैया, एरो दिख ही नहीं रहा। अच्छा।